ठीक है। रिकॉर्डिंग का परमिशन हर्ष के पास भी होता है। चलो मैं एक मिनट कर देता हूं। तो शुरू करते हैं अपने। दैट इज आई टॉकिंग अबाउट फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड की बात कर रहे हैं। तो व्हाट विल रीड सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स में पाई बॉन्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड द पाई बॉन्ड्स ये बताना है आपको। ठीक है, तो वी कैन राइट दैट बेस फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड्स कैसे फॉर्म होगा वो देखते हैं। ज्वाइन करने वाले परेशान करेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड्स अपन ने लिखा था भाई, देखो सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्मड बाय ओवरलैपिंग। तो पहले अपन सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन देखते हैं। तो अपन ने लिखा था पॉइंट नंबर वन लिखते हैं अपन, सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्मड बाय ओवरलैपिंग ऑफ, ठीक है ना, of that is overlapping of ss orbitals p, या फिर अपन लिखेंगे s and p orbitals, or we can write pp orbitals, that is by the overlapping of the ss orbital, pp orbital या sp orbitals, ऐसे अपन sigma bond बना के दिखा सकते हैं। तो मैं आपको पहले ss overlapping बताता हूँ, फिर sp overlapping बताता हूँ, फिर pp overlapping बताऊ। तो अपन कहेंगे देखो भाई, मैं एस एस ओवरलैपिंग की बात करता हूं, ठीक है, पहले अपन एस एस ओवरलैपिंग की बात करते हैं। तो एस एस ओवरलैपिंग में क्या होता है, व्हेन हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल एंड वी नो दैट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर कोवेलेंट बॉन्ड्स, सो इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, दे आर कोवेलेंट बॉन्ड्स। वैसे मैंने कल बताया था they are covalent bonds. So when half filled s orbital of one atom, s orbital of one atom of one atom overlaps with half filled s orbital of other atom, half filled s orbital of other atom, orbital of other atom, so there will be a formation of sigma bond, and there is a sigma bond formation, bond formation. तो अपन लिखेंगे भाई, ठीक है, जैसे अपन ने कहा कि एग्जाम्पल लिख लेते हैं अपन, जैसे H2 molecule होता है, तो H2 molecule में क्या होता है, एक हाइड्रोजन एटम होगा, दूसरा हाइड्रोजन एटम होगा, एक हाइड्रोजन एटम का 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरे का भी 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा वैलेंस शेल से होता है, सो यही इसका वैलेंस शेल है, इसका भी यही वैलेंस शेल है। अब अगर ये दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर ले तो दे कैन फॉर्म अ बॉन्ड, मतलब एक एस ऑर्बिटल वन हाइड्रोजन एटम का एस ऑर्बिटल स्फेरिकल इन शेप, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये दूसरे हाइड्रोजन एटम का एस ऑर्बिटल है, और इन इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो होगा वो अपोजिट स्पिन होगा। तो जब ये ओवरलैप करेंगे तो एक हाइड्रोजन एटम ये हो गया, एक हाइड्रोजन एटम ये हो गया, इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये ओवरलैप करेंगे तो बॉन्ड ऐसे बनेगा, देयर विल बी अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू ऑर्बिटल्स, ये ऐसे ओवरलैपिंग ऐसे होगा, और इसमें दो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये एक हाइड्रोजन एटम, ये एक हाइड्रोजन एटम, इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, बॉन्ड फॉर्मेशन। मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू एटम, इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल लाई बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू एटम, सो दिस इज कॉल्ड एस एस ओवरलैपिंग। आप कैसे भी बता सकते हो ये भी एस एस ओवरलैपिंग है, आप ऐसे लिखो तब भी ये भी एस एस ओवरलैपिंग है। तो एस एस ओवरलैपिंग में क्या होगा, हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, दिस इज सिग्मा बॉन्ड। और वैसे भी अपन को पता है सिंगल बॉन्ड में तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही होता है, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में एक ही बॉन्ड बनता है तो वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा।
तो एक एटम का एस ऑर्बिटल, दूसरे एटम का एस ऑर्बिटल, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, विल गेट दैट एसएस ओवरलैपिंग, और एसएस ओवरलैपिंग से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। बी आई कैन राइट दैट एसपी ओवरलैपिंग, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे एसएस ओवरलैपिंग लिखा आपने, वैसे मैं एसपी ओवरलैपिंग भी लिखूंगा। हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल ऑफ वन एटम, एस ऑर्बिटल ऑफ वन एटम, ऑफ वन एटम व्हेन ओवरलैप्स विथ हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल ऑफ अदर एटम, हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल ऑफ अदर एटम जो आपने यहां पर लिखा हुआ है, तो एसएस ओवरलैपिंग हो जाएगा। तो पर लेकिन हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल, सो हाफ फिल्ड और पार्शियली फिल्ड, और पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ अदर एटम, ऑर्बिटल ऑफ अदर एटम, सो विल पार्शियली फिल्ड, पी ऑर्बिटल नहीं लिखा बनने, तो पी ऑर्बिटल ऑफ अदर एटम, ऑफ अदर एटम। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अपन इसमें चेक कर लेते हैं कैसे, बताओगे आप। तो देखो होगा क्या ना, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से ही बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो अपन ऐसे बता देते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अपन एचसीएल का एग्जांपल ले लेते हैं। तो हाइड्रोजन का तो एक एस ऑर्बिटल होगा, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, दैट इज वन एस वन। और क्लोरीन का पी ऑर्बिटल होगा, अभी पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है सर्कल में ही लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्फेरिकल था। तो पी ऑर्बिटल तो मतलब तीन होंगे इसके, पी एक्स होगा, पी वाई होगा, पी जेड होगा, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अब अगर मैं इसके एक इलेक्ट्रॉन को इसके दूसरे, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन जो इसमें प्रेजेंट है ना, उसके साथ अगर ओवरलैपिंग करें, तो ये पी ऑर्बिटल है जिससे अपन ओवरलैपिंग करने वाले हैं, ये भी पी ऑर्बिटल था, ये भी पी ऑर्बिटल था, ये वैलेंस शेल से ही बॉन्डिंग होता है, वी नो दैट, इसलिए मैंने इनर शेल की बात ही नहीं की। अपन ने 3p और 3p5 जो उसका वैलेंस सब शेल होगा उसी से ये अपन चेक कर लेते हैं। तो इसका ये इलेक्ट्रॉन अगर इस पे ओवरलैप करेगा तो अपन कहेंगे देन देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ sp ओवरलैपिंग। तो अपन कहेंगे इसके p ऑर्बिटल, जो p ऑर्बिटल होगा क्योंकि बॉन्डिंग तो वैलेंस शेल से ही होता है, तो इसका s ऑर्बिटल इसके p ऑर्बिटल को ओवरलैप करेगा, तो कौन से वाले p ऑर्बिटल पे, अपन कहेंगे ये वाले p ऑर्बिटल पे, ठीक है भाई। तो इसका मतलब है यू आर टॉकिंग लाइक दिस कि भाई h और cl, h का एक ये स्फेरिकल एटम हो गया और इसका एक p ऑर्बिटल हो जाएगा, cl का एक p ऑर्बिटल बना देते हैं अपन, तो ये इसका p ऑर्बिटल हो गया जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो अब इसका और इसका ओवरलैपिंग, बिकॉज p ऑर्बिटल तो डंबल शेप होता है, तो आपको डंबल शेप का ओवरलैपिंग बताना पड़ेगा। तो अपन कहेंगे ठीक है इसमें HCl का बॉन्ड फॉर्मेशन करो, तो अगर आप HCl का बॉन्ड फॉर्मेशन करूंगा तो मैं कहूंगा इसका s ऑर्बिटल इसके p ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, लो भाई ओवरलैप किया। तो अपन कहेंगे लो भाई ये दोनों बॉन्ड का शेयरिंग हो गया। तो s और p ओवरलैपिंग जब भी होगा तो वहां पर हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, बस वो इधर से ऐसे ओवरलैपिंग करो इधर से, लेकिन वो इंटरन्यूक्लियर जैसे ही ओवरलैपिंग करते हैं, जैसे अपन इसको पीएक्स भी लिख सकते हैं या पीवाई भी लिख सकते हैं या पीजेड भी लिख सकते हैं, मतलब एक स्पेरिकल है और दूसरा कैसे होगा, जैसे ये स्पेरिकल है तो ये एक्सेस में ना ऐसे बैलून, जो दो बैलून होते हैं ना, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, रीजन है, वो रीजन अगर आपस में ओवरलैप करेंगे तो अपन उसको कहेंगे दैट इज एसपी ओवरलैपिंग। अब अपन पीपी ओवरलैपिंग की बात करेंगे, तो अपन पीपी ओवरलैपिंग में करेंगे बताएंगे अपन। अब इसमें मैंने सिर्फ एक ही पी वाला एग्जांपल ले लिया, अब ये तीनों पी मतलब आपने हाफ फिल्ड भी लिखा हुआ है तो ऐसा भी कोई मॉलिक्यूल का एग्जांपल होगा तो हाँ बताऊंगा, लेकिन अपन उससे पहले क्या करते हैं, पहले अपन एक एग्जाम्पल देख लें कि भाई एस और पी के ओवरलैपिंग कैसे दिखाना होता है, एस और एस का ओवरलैपिंग कैसे दिखाना होता है और पी का ओवरलैपिंग कैसे दिखाना होता है। तो अपन पीपी ओवरलैपिंग की बात करेंगे, तो अगर मुझे s ऑर्बिटल को p ऑर्बिटल पर ओवरलैपिंग करना है तो ऐसे दिखाएंगे, ठीक है ना। और जो इलेक्ट्रॉन अपन ने लिखा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन हमेशा हेलो
हाँ बच्चों, कुछ लिख रहे थे तुम लोग? एक मिनट रुको, मैं देख लेता हूँ। एक मिनट है। एच और सी एल में अपोजिट स्पिन होगा, बिल्कुल। जब भी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होगा उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, वो अपोजिट स्पिन ही होंगे। अगर आप देखोगे तो मैंने इसमें अपोजिट स्पिन ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। वो अलग अलग ऑर्बिटल में अलग एक जैसे स्पिन हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग अलग है तो। बट जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा देयर विल बी अपोजिट स्पिन। सर सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन दिखाए, कोई बात नहीं, आप अलग अलग ऑर्बिटल में दिखा सकते हो सेम स्पिन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सही है। लेकिन जब ओवरलैपिंग करेगा तो अपन लोग क्या, यहाँ भी आप एक सेम स्पिन दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब आप ओवरलैपिंग दिखाओगे तो उसमें ओवरलैपिंग में अपोजिट स्पिन होना ही चाहिए, ठीक है। तो एक एग्जाम फिर था अपने पास, नहीं फुली फिल्ड में कभी कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए भाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है ना, तो एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर फुली फिल्ड होगा तो फिर कैसे होगा, तो उसमें अपन ओवरलैपिंग नहीं दिखाएंगे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। HCl example, both the electrons have the same spin. No. Where is the same spin in this bond formation? यहाँ हुआ। भाई इसमें तो मैं लिख सकता हूँ, ये लो, ऐसे अगर तीन orbital है तो same spin है, तो अपन ये थोड़ी कहेंगे नहीं नहीं आप PX, PY, PZ में same spin नहीं लिख सकते। लिख सकते हो, लेकिन जब आप दोनों इलेक्ट्रॉन को एक ही ऑर्बिटल में लिखोगे ओवरलैपिंग में, तो आपको अपोजिट स्पिन लिखना कंपलसरी है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो ऑर्बिटल फुली फिल्ड होंगे वो बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते, क्योंकि एक ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। डन, ठीक है, आपके जो भी डाउट्स हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक्चुअली मैंने रेजोनेंस फिनोमेना इसलिए तो नहीं पढ़ाया क्योंकि मुझे भी मजा नहीं आया उसके, मुझे ना बाद में मुझे मतलब बुरा लगा, मैंने कहा मतलब पढ़ाने नहीं था, जब बच्चों को सब आ जाए तभी बताऊंगा मैं, और अपने हिसाब से बताऊंगा। अगर किसी पार्ट को बोलूंगा ना छोड़ दो, अब छोड़ देना उस पार्ट को, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। चलो देखते हैं। तो अब अपन कहेंगे भाई अब अपन को पीपी ओवरलैपिंग की बात करनी है, तो ठीक है भाई पीपी ओवरलैपिंग की बात करेंगे अपन। हेलो भाई, पीपी ओवरलैपिंग हो गया अपने लिए, ठीक है।
अब अपन पीपी ओवरलैपिंग की बात करते हैं तो सी पार्ट लेते हैं। अब जो पीपी ओवरलैपिंग की बात करूंगा ना मैं, ओवरलैपिंग, अब ना इसको जैसे अपन इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं ना, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन दिखाने की बजाय, इसको पॉजिटिव लिखो, इसको पॉजिटिव लिखो, इसको नेगेटिव लिखो, याद है ना, दो पॉजिटिव नेगेटिव आर वेव फंक्शन। तो जब अपन ओवरलैपिंग करेंगे ना तो इसको अपन कहेंगे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव पार्ट है इसका, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव पार्ट ही आपस में ओवरलैप करेंगे, राइट। तो अपन ये प्लस और माइनस, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन नहीं है प्लस और माइनस, वो सिर्फ वेव फंक्शन है। अपन ऐसे लिखते हैं ना भाई, ऐसे अपन ने बनाए थे, वो पढ़ा था ना उसमें, ऐसे वेव फंक्शन, वेव मैकेनिकल मॉडल, अगर इधर प्लस होगा तो इधर माइनस होगा, क्योंकि ये वेव ऐसे बनेगा ना, ऐसे बनाएंगे ना अपन वेव, तो इधर नेगेटिव होगा तो इधर पॉजिटिव होगा, तो वो वेव फंक्शन है। इसलिए अपन ये नहीं कहेंगे कि नहीं नहीं एक तरफ पॉजिटिव लिखना है एक तरफ नेगेटिव लिखना है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। पीपी ओवरलैपिंग ना टू टाइप्स का होता है, राइट ना, दो टाइप्स होता है, इट इज ऑफ टू टाइप्स, पीपी ओवरलैपिंग टू टाइप्स का होता है। एक अपन कहते हैं उसे, दैट इज राइट हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग की बात करेंगे, और इसको ना हॉरिजॉन्टल को अपन या फिर इसको ना लेटरल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, लेटरल ओवरलैपिंग, ठीक है ना, लेटरल ओवरलैपिंग, क्योंकि ये वर्ड भी कभी कभी यूज होता है, वैसे देखा जाए तो ये वर्ड इक्वली मतलब यूज होते हैं दोनों, लेटरल ओवरलैपिंग भी और हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग। तो चलो भाई देखते हैं अपन कैसे हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग करना है और लेटरल ओवरलैपिंग करना है। सो पीपी ओवरलैपिंग में तो लिखना तो वही है अपन को कि भाई पार्शियली फिल्ड और हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल ऑफ वन एटम ओवरलैप्स विद द पार्शियली फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ अदर एटम, तो विल गेट द पीपी ओवरलैपिंग। तो चलो अपन इसमें लिख देते हैं भाई, इसी में लिख देते हैं वो, वेन हाफ फिल्ड और पार्शियली फिल्ड, ठीक है ना, व्हेन हाफ फिल्ड और पार्शियली फिल्ड फिल्ड पी ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट एटम्स। अब वो वन एटम ओवरलैप्स विद अदर एटम लिखने के बजाय डिफरेंट एटम लिख देते हैं, बट यू कैन राइट दैट आल्सो, ऑफ वन एटम ओवरलैप विद द पार्शियली फिल्ड और हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल ऑफ अदर एटम, ठीक है, of different atoms, right na, of two or more atoms, so two atoms, मैंने different atom पता क्यों लिखा है ऐसे, उसको क्यों हटाया, क्योंकि तुम लोग ऐसे ना समझो, अच्छा कार्बन 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 का pp overlapping नहीं हो सकता, सर ने कहा है different atom का ही होगा, तो ऐसे गड़बड़ ना कर दो, of two atoms, इसलिए मैंने उसको two atom, क्योंकि वो atom same भी हो सकते हैं, वो एटम डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब वो डिफरेंट एटम में आप ये ना समझ जाओ कि मतलब नहीं ये अलग अलग एटम का ही ओवरलैपिंग होगा तभी बॉन्ड बनाऊंगा, नहीं तो नहीं, क्योंकि सब ने डिफरेंट वर्ड यूज किया था, इसलिए मैंने उसको चेंज किया कि ऑफ टू एटम्स, मतलब ये भी ऐसे वो सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है, टू एटम्स देन वी गेट देन इट इज पीपी ओवरलैपिंग। तो देखो जैसे अपन ने पीपी ओवरलैपिंग बताना है अपन को, तो अपन बताएंगे भाई देखो ऐसे कर देते हैं, अपन क्या करेंगे, एक पी ऑर्बिटल दूसरे पी ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, तो अपन इसको px ले लेते हैं, ये px ऑर्बिटल है, तो एक पी ऑर्बिटल दूसरे पी ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, ये अपन ऐसे कर लेते हैं दोनों का मतलब दूसरा पी ऑर्बिटल बना दिया मैंने, ये भी पी ऑर्बिटल है और ये भी px है, तो जब ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो विल गेट द ऑर्बिटल ओवरलैपिंग लाइक दिस, मतलब इसका ये पी ऑर्बिटल हो गया और ये पी ऑर्बिटल ऐसे लिख गया, तो ये प्लस हो गया और इधर माइनस लिख गया, दैट इज कॉल्ड पीपी ओवरलैपिंग, राइट, दैट इज कॉल्ड पीपी ओवरलैपिंग। अब पीपी ओवरलैपिंग में अपन क्या करेंगे, कोई एग्जांपल दो भाई, बहुत सारे एग्जांपल है, अपन क्या करेंगे, लो भाई एग्जांपल लेना है आपको, तो लिख लो भाई F2 Cl2 Br2 I2,
ये सब एग्जांपल हो जाएंगे। वो कैसे, अपन कहेंगे देखो जैसे अपन ने Cl2 बॉन्ड बनाया या F2 बॉन्ड बनाया, तो F2 में अपन क्या कहेंगे, F2 के लिए एक F एटम दूसरा F एटम, तो इधर अपन लिखेंगे ये 1s2 2s2 p5, ये 1s2 2s2 p5, तो बॉन्डिंग तो वैलेंस शेल से ही होता है। तो अपन क्या करेंगे, ये 2s हो गया, ये वैलेंस शेल पूरा ही बना दे रहा हूं मैं, ये भी 2s हो गया, ये मैंने वैलेंस शेल पूरा ही बना लिया। तो अगर मेरे पास ऐसे की बना है 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5, अब ये दोनों तो हाफ फिल्ड है ना, पार्शियली फिल्ड है, उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो अपन क्या करेंगे इन दोनों का ओवरलैपिंग करते हैं, इसका एक पी ऑर्बिटल और इसका एक पी ऑर्बिटल, अगर वो ओवरलैपिंग करेंगे ऐसे तो अपन कहेंगे ये पीपी ओवरलैपिंग। बट उनको कैसे ओवरलैप करना चाहिए, ऐसे ओवरलैप करना चाहिए लिटरली। तो अपन कहेंगे देखो भाई पी के तो तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, कैसे, एक पीएक्स ले लेता हूं, मान लो आपने यहां पर क्या लिखा सिग्मा बॉन्ड के लिए पीएक्स बनाया, तो ये जो था ना px था, इधर वाला भी px ऑर्बिटल था, ठीक है ना, ये px ऑर्बिटल था। अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे ये px हो गया, ये px हो गया ऑर्बिटल और ओवरलैप करवाया आपने, तो मैं इसको p y इसको pz लिख सकता हूं, बिल्कुल लिखो, अपन कहेंगे ऑब्वियस सी बात है, अगर तीन p ऑर्बिटल है तो एक px होगा, एक py होगा, pz होगा, और तीनों आपस में 90 डिग्री पे होंगे, ठीक है। तो अपन कहेंगे अगर एक f ऑर्बिटल ऐसे है, एक f ऑर्बिटल का p ऑर्बिटल ऐसे और z ऐसे है, तो आपने क्या किया है, ये p और ये p, तो अपन कहेंगे देखो भाई ये pz रहा होगा, ये py रहा होगा और यहां पर px रहा होगा, तो आपने क्या किया ये px और px को ऐसे ओवरलैप करके ये तो फुली फिल्ड रहे होंगे, ये py रहा होगा, ये pz रहा होगा, तो ये तो फुली फिल्ड रहे होंगे ये वाले, तो ये वाले तो फुली फिल्ड है, ये वाले px py और pz, लेकिन इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन था, तो अपन ने क्या किया दोनों को पास लाके ओवरलैप कर दिया, क्योंकि तीन ऑर्बिटल थे, इसमें तो दो दो इलेक्ट्रॉन थे, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है, 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 लेकिन इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो मैं इनको आप पहले पैरेलल लिख सकते हो, बाद में जब ओवरलैप लिखोगे तो आपको बताना पड़ेगा कि इट इज लाइक दिस। तो अपन कहेंगे कि जब अभी आप पैरेलल भी लिखोगे तब भी चलेगा, लेकिन जब आप ओवरलैप कर दोगे ऐसे तो नहीं चलेगा। अब आप जब बॉन्ड बना दोगे ना ऐसे, तो इसके अंदर जो आप लिखोगे इसको आपको अपोजिट स्पिन ही लिखना पड़ेगा, तो मैंने वही बना दिया भाई, ये लो भाई F, जो अपन ऐसे लिख देते हैं ना कि F मॉलिक्यूल मतलब ऐसे, ये ऐसे इतना इजी नहीं होता, ये जो ऐसे एक बॉन्ड बनाते हैं ना अपन, ये बॉन्ड ऐसे होता है ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में, तो इधर अपन कहेंगे कि भाई इधर भी दो इलेक्ट्रॉन थे, इधर भी दो इलेक्ट्रॉन है इसमें, इधर भी दो इलेक्ट्रॉन है, इधर भी दो इलेक्ट्रॉन है, और इधर लिखेंगे दैट इज ये px हो गया, ये pz हो गया, तो ये py हो गया, लो भाई, और इसका px px ओवरलैप करके क्या बनाया उसने, सिग्मा बॉन्ड बनाया। तो अपन जो ऐसे लिख देते ना कि अच्छा एक सिंगल बॉन्ड ऐसे बना दो, लो भाई FF मॉलिक्यूल बनाना है, ये लो हो गया FF मॉलिक्यूल, ये इतना इजी नहीं होता, जो ये बॉन्ड बनाते हैं ना, जो आप बॉन्ड बनाओगे ना ये बॉन्ड ओवरलैपिंग से बनता है। तो अपन को क्या करना है, इसका एक पार्शियली पी ऑर्बिटल इसके एक पार्शियली पी ऑर्बिटल से बनेगा, तो सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। अब अपन बात करते हैं जैसे अपन ने हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग किया, वैसे इसमें पी ऑर्बिटल के लिए एक और टाइप का, और दो टाइप से लिखा ना आपने, तो एक होता है साइडवेज ओवरलैपिंग और वर्टिकल ओवरलैपिंग, लेकिन साइडवेज ओवरलैपिंग या वर्टिकल ओवरलैपिंग से हमेशा पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है भाई। तो ये पीपी ओवरलैपिंग है, तो अगर पी और पी को ओवरलैप करोगे तो विल गेट दैट, हमको कैसे बताना है ओवरलैपिंग, तो एक बार मैंने आपसे कहा, अब दूसरा जो होगा वो वर्टिकल ओवरलैपिंग, वर्टिकल ओवरलैपिंग बोलते हैं अपन, या फिर उसे साइडवेज ओवरलैपिंग बोलते हैं, तो आप उसे साइडवेज ओवरलैपिंग बोलोगे या फिर वर्टिकल ओवरलैपिंग बोलोगे, तो ठीक है भाई कोई बात नहीं, अपन उसको देख लेते हैं क्या करना साइडवेज ओवरलैपिंग और राइट कैसे अपन को बताना है। तो जब मैं साइडवेज ओवरलैपिंग की बात करूंगा ना इसमें,
तो अपन कहेंगे साइडवेज ओवरलैपिंग या व्हेन वी राइट दैट ना व्हेन हाफ फिल्ड और पार्शियली फिल्ड पी ऑर्बिटल ऑफ वन एटम ऑफ टू एटम देन देयर विल बी अ पीपी ओवरलैपिंग. तो लेट अस चेक. भाई साइडवेज ओवरलैपिंग का मतलब होता है एक पी ऑर्बिटल ऐसे होगा और एक पी ऑर्बिटल ऐसे होगा. तो इनमें साइडवेज ओवरलैप और इनको अपन एक्सेस बना लेते भाई चलो ये पी वाई है तो ये भी पी वाई. मतलब दो ऑर्बिटल जब ऐसे पैरेलल होंगे ना ऐसे तो दो ऑर्बिटल अपन पास में लेके आएंगे. तो अगर उनमें ऐसे ओवरलैपिंग हो रहा है पास में ऐसे वर्टिकल ओवरलैपिंग तो इसमें क्या बनेगा पाई बॉन्ड बनता है. अगर यही चीज ऐसे हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग होता तो अपन क्या बताते तब उस केस में सिग्मा बॉन्ड बनता है. मतलब जब भी पीपी ओवरलैपिंग ऐसे हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग होगा ना पी और पी का इट विल ऑलवेज फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड. But when there is a vertical overlapping, then there is always a formation of pi bond. तो इसमें vertical overlapping में अपन क्या कहेंगे? भाई इसमें ये plus लिख देते हैं, ये plus, ये minus, ये minus. जब ये overlapping करेंगे आपस में, तो इसका plus इसके plus से, इसका minus इसके minus से overlapping होना चाहिए. तो अपन क्या करेंगे? ये ऐसे बता देंगे. ये pi bond जो होता है, वो ऐसे बना रहता है. फॉर्मेशन तो ये भी पी एक्स होना चाहिए और ये भी पी वाई होना चाहिए और ये भी पी वाई होना चाहिए. अब अपन कहेंगे अगर एक पी एक्स है और एक पी वाई है तो फिर नहीं होगा. क्यों? क्योंकि पी वाई ऐसे होगा तो पी एक्स उससे 90 डिग्री पे होगा. हाउ कैन द ऑर्बिटल विल ओवरलैप देयर? वहां पर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हो ही नहीं. अगर एक ऐसे है तो दूसरा भी ऐसे होना चाहिए ओवरलैपिंग के लिए. वर्टिकल मतलब ऐसे ओवरलैपिंग. अगर हॉरिजॉन्टल पीपी ओवरलैपिंग होगा तो इट इज ऑलवेज फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड. तो यहां पर ये जो बॉन्ड बना वो क्या है पाई बॉन्ड. सो वी कैन राइट दैट इज वी कैन से दैट वर्टिकल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑलवेज फॉर्म जो भी वर्टिकल ओवरलैपिंग होगा ना ऑर्बिटल्स का ऑफ ऑर्बिटल्स ऑलवेज फॉर्म पाई बॉन्ड्स. क्या बनाएगा? हमेशा पाई बॉन्ड बनाएगा. एंड हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल्स ऑफ ऑर्बिटल्स ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड. तब उसमें सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा हमेशा. तब उस केस में अपन क्या बताएंगे? इट विल ऑलवेज फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड. ठीक है, ठीक है. अब अपन क्या करेंगे? अब एक बार अपन ने पाई बॉन्ड भी बनाना देख लिया, सिग्मा बॉन्ड भी बनाना देख लिया. राइट, अपन ने क्या बना लिया? पाई बॉन्ड भी बनाना देख लिया, सिग्मा बॉन्ड भी बनाना देख लिया. ठीक है, और इसका कोई लाइट का प्रॉब्लम आया बीच में तो फिर से परमिशन चाहिए उसे. कोई बात नहीं, लेकिन इसमें विनीत भी मतलब वो कर रहा था, रिकॉर्ड कर रहा है. विनीत तुम अपलोड कर देना क्योंकि उसका ब्रेक हो गया ना बीच में, तो विनीत भी कर रहा था वैसे रिकॉर्ड, इसलिए मैं दो लोगों को परमिशन देता हूँ. ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? अपन लिखेंगे. अब अपन क्या करें? अपन ने पाई बॉन्ड भी देखा, सिग्मा बॉन्ड भी देखा. एस का ओवरलैपिंग किसी के साथ भी हो, इट विल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड. मतलब एस में कभी पाई बॉन्ड के बारे में सोचना ही नहीं. पाई बॉन्ड अपन ने कब पढ़ा? जब अपन ने पी ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग पढ़ा. अब अपन क्या करते हैं? कुछ मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं जिसमें सिग्मा बॉन्ड भी बने पाई बॉन्ड भी, क्योंकि अपन ने पहले बताया मैंने आपको कि सिग्मा बॉन्ड के बगैर पाई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा. लेकिन सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के बगैर एग्जिस्ट करेगा. चलो एग्जांपल लेके देखते हैं और देखते हैं कि पाई बॉन्ड बनते कैसे हैं ये ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से. फिर मैं आपको आगे बताऊंगा कि अभी पी ओवरलैपिंग है, अगर डी ओवरलैपिंग होगा तो कैसे होगा. लेकिन पहले अपन एक बार कुछ मॉलिक्यूल्स देखते हैं. ठीक है ना, एग्जाम्पल देखते हैं. अब ओवरलैपिंग्स में ना जैसे आपने बताया मुझे, ये तो सेपरेटली आपने इंडिविजुअल ऑर्बिटल्स को बता दिया, अब मैं कुछ एग्जाम्पल बता देता हूं.
कि भाई एग्जांपल में अपन कैसे लिखेंगे ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, ठीक है ना। तो अपन एग्जांपल लेते हैं फॉर बाय ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाएंगे अपन ऑर्बिटल। तो मैं एग्जांपल एक लेता हूं सीएल टू, इसमें तो सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है भाई। तो अपन कहेंगे इसमें तो सीएल सीएल बॉन्ड होगा, एक सीएल एटम 3p5 और दूसरा सीएल एटम वो भी 3p5। मैंने ना बाकी पार्ट नहीं लिखा, अपन को पता है ऑलरेडी। अब इतना एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद और पीरियोडिक टेबल पढ़ने के बाद पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर बताओ, कोई जरूरत नहीं है उसकी। वैलेंस शेल से बॉन्डिंग होगा आप बता दो। तो अपन क्या करेंगे ना इसमें ना 3p वाले में जो इसमें ऑर्बिटल्स होते हैं ना ऐसे पांच इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखेंगे अपन भाई, ये पांच इलेक्ट्रॉन अपन लिखेंगे, इसके भी पांच इलेक्ट्रॉन लिखे। तो अभी बताया तो था आपने एफ में, फिर से आप पहले एफ से बताया था, अब आप सीएल से बता रहे हो। तो अपन कहेंगे कोई बात नहीं, अपन ऐसे कहेंगे ये अगर मान लो पीजेड है तो ये भी पीजेड है। तो अपन कहेंगे इसका पी ऑर्बिटल इसके पी ऑर्बिटल को ओवरलैप करेगा तो फॉर्म आ सकता हूं। तो अपन कहेंगे भाई इसमें ना एक सीएल का पी ऑर्बिटल दूसरे पी के सी ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, ये दोनों ओवरलैप करेंगे ऐसे, और ये भी पीजेड है और ये भी पीजेड है। तो अपन क्या करेंगे ये दोनों ओवरलैप करके बनाएंगे, दैट इज अ जैसे आपने बताया कि भाई ये हमेशा क्या बनाएंगे, अपन बता देंगे भाई ये तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। पीपी ओवरलैपिंग से हमेशा अपन को सिग्मा बॉन्ड बनेगा, बना दिया अपन ने सिग्मा बॉन्ड। और पीजेड ऑर्बिटल से तो अपन कहेंगे भाई पहले तो आपने पीएक्स बताया था, अभी आप पीजेड बता रहे हो, तो इसमें कोई मतलब किसी भी ऑर्बिटल से बना दूं या मतलब कोई चॉइस है? तो अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे आप किसी भी ऑर्बिटल से अगर हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग बना रहे हो तो पी में सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, एस से कभी पी बॉन्ड नहीं पाई बॉन्ड नहीं बनता, तो बनाने की जरूरत ही नहीं उसको, क्योंकि एस और पी का ओवरलैपिंग हो, एस और डी का ओवरलैपिंग हो, एस और एस का ओवरलैपिंग, एस का कहीं भी ओवरलैपिंग होगा सिग्मा के अलावा कुछ नहीं बन सकता। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे ठीक है मैंने देख लिया इसमें सिग्मा बॉन्ड बना। अब एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, सपोज अपने पास अब एग्जांपल है O2 मॉलिक्यूल, ठीक है भाई ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मुझे पता है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो होता है 2s2, दैट इज चलो पूरे लिख देता हूं एक बार 1s2 2s2 और p4 होता है। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और दूसरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एटम, मतलब दो ऑक्सीजन एटम होंगे एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो अब इसमें अपन कहेंगे इसमें अब इस वाले पार्ट को छोड़ ही देते हैं, लास्ट वाला पार्ट जो वैलेंस शेल है उसी की बात करते हैं। इसमें ये 2s है, इसका ये 2s हो गया और इसका ये p ऑर्बिटल हो गया, तो ये 2p है और अपन कहेंगे ये 2s है ये 2p है, तो 3p ऑर्बिटल हो, चार इलेक्ट्रॉन है इसमें, फिल राइट लाइक दिस, इसमें भी ऐसे ही लिखूंगा, तो इसमें भी चार इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो अपन ऐसे लिखेंगे। अब पता क्या हो रहा है, इसमें दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है एक एटम में, अगर दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो दो बॉन्ड बन सकते हैं, जब एक अनपेड इलेक्ट्रॉन से अगर एक बॉन्ड बनेगा तो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन से दो बॉन्ड बन सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा इन दोनों को ओवरलैप करके क्या बना दूंगा सिग्मा बॉन्ड, और इन दोनों को ओवरलैप करके क्या बना दूंगा पाई बॉन्ड, मतलब यहां पर एक पाई बॉन्ड बनेगा एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, क्यों? क्योंकि दोनों एटम के बीच में दो बॉन्ड बनेंगे, वो तो अपन को पहले से पता है कैसे, भाई आप लिखो इसके सिक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर में लिखने होते हैं, इसके भी सिक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर में लिखने होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करूं कि डबल बॉन्ड बने, तो बनाएंगे ना डबल बॉन्ड, वो तो पहले से पता है मुझे, अभी क्या बता रहे हो आप, हमें तो पहले से पता है। तो अपन कहेंगे अभी अपन ऑर्बिटल ओवरलैपिंग बता रहे हैं कि भाई कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप करके वो बॉन्ड बने, पूछेंगे कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप करके, तो अपन कहेंगे वैलेंस शेल में बताओ किस ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन थे। तो अपन कहेंगे भाई पहले अपन क्या करेंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में, अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अपन कहेंगे भाई इसमें तो इलेक्ट्रॉन फुली फिल्ड है, इसकी बात करते हैं, एक पीएक्स होगा एक पीवाई होगा और एक पीजेड होगा, तो एक एटम का एक ऑक्सीजन एटम का मैंने ये बना लिया भाई पी वाई, ये बना लेता हूं मैं एक ऐसे और एक बना लेता हूं एक ऐसे। अब मैं क्या करूंगा ये एक एटम है वन ऑक्सीजन एटम, उसके तीन पी ऑर्बिटल्स, अब एक दूसरा एटम है जिसमें अपन ओवरलैपिंग करेंगे उसके ऑर्बिटल्स का, ये दूसरा एटम हो गया,
ये दूसरा एटम। तो अब अपन इसको ना ऐसे लिख लेते हैं, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, आपने कहा हमने मान लिया, लेकिन ऑर्बिटल में ना इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब वो प्लस माइनस को अपन अनपेड इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, क्योंकि अपन बॉन्ड बनाना दिखाना है ना। इसमें भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं अपन, इसको भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, और इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं। तो भाई जहां पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उस वाले ऑर्बिटल को तो भूल जाना, वहां बॉन्ड नहीं बन सकता। तो पहले क्योंकि इनमें शेयरिंग हो सकती है, इनमें शेयरिंग हो सकती है, इसमें शेयरिंग नहीं हो सकती क्योंकि वो फिल्ड है, फिल्ड ऑर्बिटल की शेयरिंग थोड़ी होती है। अब दूसरी बात, अगर मुझे चॉइस दोगे कि पीएक्स पीवाई और पीजेड में से सिग्मा बॉन्ड कौन बनाएगा, तो मैं हमेशा जेड को बोलूंगा। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि बताओ सिग्मा बॉन्ड कौन बना सकता है पीएक्स पीवाई पीजेड, तो कहूंगा कोई भी भाई, हमें तो ओवरलैपिंग से मतलब है। अगर ऐसे उनका लेटरल ओवरलैपिंग होता है मुझे कोई बात नहीं, हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग किसी का भी कर दो आप, मैं तो सिग्मा बॉन्ड बना दूंगा। पीपी का अगर हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग होता है तो अपन कहेंगे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर आप मुझे चॉइस दोगे कि बताओ कौन से पीपी ऑर्बिटल को प्रेफरेंस देना चाहिए सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, तो फिर मैं जेड को दूंगा। तो अगर अपन इन दोनों से सिग्मा बॉन्ड बनाने वाले हैं तो मैं इसको पीजेड लिखूंगा। अगर हमें चॉइस मिलेगा तो अपन पीजेड ही बताएंगे। लेकिन अगर चॉइस नहीं पूछा कि भाई किस ऑर्बिटल से ओवरलैप करके बनेगा सिग्मा बॉन्ड, किसी से भी बनाओ हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। और अगर अपन से कोई पूछेगा कोई फिक्स कर रहा है अगर, तो उसमें क्वेश्चन चेक कर लेंगे कि अगर आप फिक्स करने वाले हो तो मैं चेक कर लूंगा क्या करना है अपन को, वो मैं बता दूंगा क्वेश्चन के थ्रू। लेकिन मैंने आपको बताया अगर मुझे चॉइस मिला तो फिर मैं हमेशा सिग्मा बॉन्ड किससे बनाऊंगा, पीजेड से। सो दिस इज अवर पीजेड, ये पीजेड है। अब अगर तो ये पीजेड है तो एक्स और वाई क्या करें, वो दोनों में से कुछ भी लिख दो। आपको याद होगा अपन ने पता जब मैग्नेटिक फील्ड में एटम को पढ़ा था तो अपन ने कहा था कि पीएक्स और पीवाई के लिए मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू प्लस माइनस वन कुछ भी हो सकता है दोनों में से, लेकिन पीजेड के लिए हमेशा जीरो होगा क्योंकि वो आर्बिट्रेरी एक्सिस होता है जिसे हम चूज करते हैं। तो अगर हमें चूज करना है किसी स्फेरिकल एटम में तो हमेशा हम पहला कौन सा एक्सिस चूज करते हैं, जेड, और उसी से सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। इसलिए मैंने ऐसे कहा ठीक है भाई हमें क्या फर्क पड़ता है, आप सिग्मा बॉन्ड बना दो। तो अपन कहेंगे लो भाई बना दिया हमने सिग्मा बॉन्ड, ये इससे ओवरलैप कर गया, ठीक है, ये ऐसे ओवरलैप करके ये पीजेड से मैंने सिग्मा बॉन्ड बना दिया। तो मैं ये पीजेड लिख लेता हूं, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया अपने पास, दो इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बाकी आप एक इलेक्ट्रॉन इसमें लिख लो, एक इलेक्ट्रॉन इसमें लिख लो, और बाकी आप इसमें आप ऐसे कर दो भाई, ये आप ऐसे बना लो। तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब अपन क्या करें, अपन कहेंगे भाई ये तो पीजेड था, तो इन दोनों में से कोई एक पीएक्स है तो ये वाला भी पीएक्स होगा, ये पीवाई है तो ये वाला भी पीवाई होगा, क्योंकि अगर अपन ने इसमें ये पीजेड फिक्स किया है तो अपन को ये भी फिक्स करने पड़ेंगे कि ये क्या हो जाएंगे फिर, ये अगर पीएक्स है तो ये भी पीएक्स है, और अगर पीवाई ये है तो ये भी पीवाई। अगर आप इसको पीएक्स लिखते हैं तो मैं इसको पीवाई लिखता, और इसको पीवाई लिखते हैं तो मैं इसको भी पीवाई लिखता, फिर वो आपको फिक्स करने पड़ेंगे। तो अपन क्या करेंगे, इसमें इसके पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और दोनों सिग्मा बॉन्ड से 90 डिग्री पे है, मतलब अब ये तो हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग हो गया, तो इन दोनों का ओवरलैपिंग क्या होगा, वर्टिकल ओवरलैपिंग। तो अगर इन दोनों का ओवरलैपिंग वर्टिकल ओवरलैपिंग होगा, इधर से ये और इधर से ये, अगर ये वर्टिकल ओवरलैप करेंगे एक दूसरे पे तो वहां पर क्या बनेगा, वर्टिकल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनेगा। तो अपन कहेंगे ये जो ओवरलैपिंग है ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन है, वो ऐसे बेंड हो जाते हैं थोड़े बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, बिकॉज बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक फेनोमेना, तो वो क्या होंगे थोड़े ओवरलैप करने के लिए ऐसे बेंड हो जाते हैं। अपन उसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर पाई बॉन्ड बनेगा दोनों को मिला के, क्योंकि वो वर्टिकल ओवरलैपिंग हो रहा है। तो अपन कहेंगे यहां पर पाई बॉन्ड बन गया, तो ये वाला सिग्मा बॉन्ड हो गया और ये वाला पाई बॉन्ड हो गया। तो डबल बॉन्ड जो था ना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में, जो अपन बोलते हैं एक एटम दूसरे एटम से डबल बॉन्ड बनाएगा, तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा एक पाई बॉन्ड होगा।
वो तो अपन को यही पता चल जा रहा था कि एक सिग्मा बनेगा एक पाई बनेगा क्योंकि दो अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो अगर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होगा तो एक ट्रिपल बॉन्ड बनेगा क्योंकि उसमें तो P3 होगा, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, वी नो दैट, क्योंकि उसमें फिर आप कहोगे इसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में ये P3 होगा, अब P3 होगा तो अपन के पास तीन अनपेड, तो एक सिग्मा दो पाई बॉन्ड, मतलब फिर इनमें से जो ये आपने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखे हैं ऑक्सीजन में आप यहां भी अनपेड इलेक्ट्रॉन लिखोगे तो एक पाई बॉन्ड ऐसे बनेगा और दूसरा पाई बॉन्ड इन दोनों से बनेगा। ये तीन, ये वाला ऑर्बिटल और ये वाले ऑर्बिटल, तीनों ऑर्बिटल एक दूसरे पे 90 डिग्री पे हैं। क्यों? क्योंकि तीनों ही कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं और एक्स वाई जेड तो हमेशा आपस में 90 डिग्री पे होते हैं। अच्छा ठीक है, मान लिया भाई, ठीक है आपने कहा इसे, ठीक है। अच्छा एक मॉलिक्यूल और ले लो आप, अपन कहेंगे अच्छा ठीक है मेरे पास अगर NH3 जैसे मॉलिक्यूल है, अलग अलग एटम है तो फिर ठीक है कोई बात नहीं, सेंट्रल एटम तो नाइट्रोजन है ना, ठीक है। तो अपन कहेंगे नाइट्रोजन अगर सेंट्रल एटम है तो वही बॉन्ड बनाएगा ना इनके साथ, तो नाइट्रोजन तो होता है 1s2 2s2 p3 होगा, तो मैं नाइट्रोजन को ऐसे लिख लूंगा नाइट्रोजन दैट इज ये 2s हो गया, कोई बॉन्डिंग तो हमेशा वैलेंस शेल से ही होता है, तो ठीक है फिर बाकी इनर्शियल लिखने की जरूरत क्या है। और ये आपका पी ऑर्बिटल हो गया, p3 हो गया, ये p3 ऑर्बिटल हो गया, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है कहेंगे देख लो आप, तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन है, हाँ तो तीन एच है और तीन एच होगा तो तीनों अनपेड इलेक्ट्रॉन एक एक एच के साथ, क्योंकि एच में तो एक ही ऑर्बिटल होगा भाई, एक एच का एक ऑर्बिटल, दूसरे एच का दूसरा ऑर्बिटल, थर्ड एच का थर्ड ऑर्बिटल, तो बन गए कि ये तीन पी ऑर्बिटल जो होंगे, मतलब ऐसे आप तीन पी ऑर्बिटल बनाओगे और उनमें मैं एस का ओवरलैपिंग कर दूंगा, मतलब आप नाइट्रोजन के लिए ऐसे तीन पी ऑर्बिटल बनाओगे, एक पी ऑर्बिटल ऐसे, एक पी ऑर्बिटल ऐसे और एक पी ऑर्बिटल ऐसे, ये तीन पी ऑर्बिटल हो गए अपने पास। तो अगर ये तीन पी ऑर्बिटल है, ये पीएक्स है, ये पीवाई ले लेते हैं अपन और ये पीजेड ले लेते हैं अपन, ठीक है भाई ये पीजेड हो गया। तो अब अपन क्या करेंगे, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, तो ठीक है एक एस ऑर्बिटल बना देते हैं भाई, ये एस ऑर्बिटल उसका इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा एस ऑर्बिटल उसका इलेक्ट्रॉन, ये थर्ड एस ऑर्बिटल इसका इलेक्ट्रॉन। लो भाई यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर पाई बॉन्ड है ही नहीं, तो अपन क्या कहेंगे ठीक है भाई इसमें नाइट्रोजन था और नाइट्रोजन में कितने, एक दो तीन ऑर्बिटल्स हो गए और ये 2s ऑर्बिटल का लोन पेयर ऐसे, और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, थर्ड हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, तो NH3 का स्ट्रक्चर ऐसे बता देंगे। अभी तो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग बतानी थी, अगर आप S और P में ओवरलैपिंग करोगे तो सिग्मा बाउंड्री बताऊंगा, वहां सिंगल बाउंड्री बन सकता है, पाई बॉन्ड कब बन सकता है जब PP ओवरलैपिंग हो, लेकिन पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा फिर पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब जैसे आपने S और P ओवरलैपिंग बताया, क्या ऐसे D और D ओवरलैपिंग भी होता है, P और D ओवरलैपिंग भी होता है, तो अपन कहेंगे आप बना के देख लो भाई, अगर हो सकता है तो अपन बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, तो चलो बना के देखते हैं। इसमें अपन ने बताया, ठीक है ना, मैं इसको भी हटा लेता हूं, वो अपने पास लिखा हुआ है, इसको मैं हटा देता हूं। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया ओवरलैपिंग्स में, मैंने आपको बताया एस और पी ओवरलैपिंग, तो अपन ने कभी ठीक है एक एस ऑर्बिटल दूसरे पी ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, एस और पी ओवरलैपिंग। मैंने आपसे कहा भाई एसएस ओवरलैपिंग, ठीक है आप एसएस ओवरलैपिंग को लिख लो, यहां पर एक एस ऑर्बिटल दूसरे एस ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा एसएस ओवरलैपिंग के लिए, तो अपन कहेंगे ये एसएस ओवरलैप। अपन कहेंगे ठीक है भाई सी देखते हैं, आपने कहा पीपी ओवरलैपिंग, तो अपन ने कहा भाई पीपी ओवरलैपिंग कोई बात नहीं, पीपी ओवरलैपिंग दो टाइप से होगा, एक बार वो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है
एक बार वो ऐसे भी हो सकता है और एक बार वो ऐसे भी हो सकता है। अगर ऐसे हो रहा है तो ये दोनों ऑर्बिटल सेम होने चाहिए, अगर ये पीएक्स है तो ये भी पीएक्स होना चाहिए, ये पीजेड है तो ये भी पीजेड होना चाहिए। तो ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई मान लेते हैं। अब अगर मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है डी, अपन कहेंगे अगर मैं एस डी ओवरलैपिंग करूं तो कहेंगे कोई बात नहीं, आप एक एस ऑर्बिटल ले लो और एक डी ऑर्बिटल ले लो, लेना कौन सा है ये बता दो आप। एक डी ऑर्बिटल तो ऐसे होगा। अब अगर आप बोल रहे हो कि ये डी एक्स है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो मैं इसको डी एक्स वाई बोल दूंगा, डी एक्स वाई बोलेंगे ना अपन इसको। तो इसमें प्लस इधर माइनस ये डी ऑर्बिटल अपन को पता है कैसे होता है, पढ़ा हुआ है अपने डी ऑर्बिटल। तो अपन क्या करेंगे, ठीक है भाई इसको इस पे ओवरलैप कर देते हैं। तो आपने बताया तो था कि एस का ओवरलैपिंग किसी के साथ भी हो, बॉन्ड तो हमेशा सिग्मा ही बनेगा, ये एस डी ओवरलैपिंग। तो एस डी ओवरलैपिंग होगा तो अपन कहेंगे इसमें सिग्मा बॉन्ड, और अगर ये एक्सिस पे बना हुआ है तो अपन इसको ऐसे भी बता सकते हैं, डी एक्स वाई तो बिटवीन द एक्सिस होता है। अगर ये एक्सिस पे बना हुआ है एक्स और वाई एक्सिस पे, तो ये डी एक्स पर माइनस वाई स्क्वायर है। If d orbital is present on the axis, ठीक है। अगर मैं d और p का ओवरलैपिंग लेता हूं, मेरे पास ऐसे कितने, मैं e लिख लेता हूं, मैं p और d ओवरलैपिंग लिखता हूं, तो अपन कहेंगे p और d ओवरलैपिंग लिख लो। लो भाई अब d कौन सा, तो अपन कहेंगे वो तो बाद में डिसाइड कर लेंगे, लेकिन ओवरलैपिंग बता दो फिर ऑर्बिटल अपन डिसाइड कर लेंगे। अपन क्या करेंगे, अगर मान लो अब इसमें भी क्या होगा, एक तो सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, दूसरा पाई बॉन्ड बन सकता है, एक सिग्मा भी बन सकता है, एक पाई बॉन्ड भी बन सकता है। तो ओवरलैपिंग कैसे हो रहा है वो बता दो। तो अगर मुझे सिग्मा बॉन्ड बनाना है तो एक ये पी ऑर्बिटल हो गया, पहले पाई बॉन्ड अपन बाद में बनाएंगे, हैं? फिर पहले सिग्मा की बात कर रहे हैं, ये ओवरलैपिंग बन रहा है, पीडी ओवरलैपिंग, ठीक है, लिखे देता हूं, ये ओवरलैपिंग बना रहे हैं, पीडी ओवरलैपिंग। तो एक तो अपन बनाएंगे कि अगर मान लो एक पी ऑर्बिटल ऐसे और दूसरा डी ऑर्बिटल ऐसे, ऐसे बना। तो अगर ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, डी ऐसे होगा, ये पी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है। अगर मैं इसको इस पे ओवरलैप करता हूं, जैसे अपन ने इसको इस पे किया, इसको दोनों को ओवरलैप किया, अगर इसमें ओवरलैप करते हैं तो जो बनेगा ना बॉन्ड, दैट विल बी कॉल्ड एज सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड होगा, पी और डी के ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब अपन कहेंगे भाई अच्छा ठीक है, मेरे पास अगर मान लो ऐसे गिवन है, ये पी ऑर्बिटल है और ये डी ऑर्बिटल है, तो इसका पाई बॉन्ड फॉर्मेशन मुझे बताना पड़ेगा आपको। एक मिनट थोड़ा नीचे बनाना है मुझे, वो उधर बनेगा तो ओवरलैप कर रहा था, मैं डी इधर लिख लो इसको, क्योंकि ये मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा ठीक से बना दो ना, साइज तो एक जैसे होना चाहिए ना, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। तो इधर भी F में ना बिल्कुल दिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। F में अब अपन क्या करेंगे, इसमें ना मुझे P और D का ओवरलैपिंग में बनना, मैं ना इसमें पाई बॉन्ड बना रहा हूं, तो पाई बॉन्ड अपन कहेंगे ये प्लस। अब अपन को अच्छे से पता है कि प्लस वाला ऑर्बिटल प्लस को ओवरलैप करना चाहिए, माइनस वाला ऑर्बिटल माइनस को ओवरलैप। तो इसमें जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ना वो ऐसे होगा, मतलब ये एक्सेस हो गए। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई ये और ये इस पे ना, ये इस पे ओवरलैप करेगा, ये इस पे ओवरलैप करेगा, नेगेटिव नेगेटिव पे ओवरलैप करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव पे ओवरलैप करता है, तो बॉन्ड बनता है। इधर भी तो बनेगा, प्लस प्लस पे ओवरलैप करेगा बॉन्ड बनेगा, प्लस प्लस पे ओवरलैप करेगा बॉन्ड बनेगा, तो अपन कहेंगे इधर ओवरलैप कर रहा है तो ये प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, वो भी फंक्शन ऐसे भी होते हैं, प्लस प्लस भी प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस भी प्लस होता है, मतलब बॉन्ड बनेगा।
लेकिन अगर एक माइनस है एक प्लस है तो माइनस प्लस माइनस मतलब बॉन्ड नहीं बनेगा, उसको अपन नेगेटिव ओवरलैपिंग भी बोल देंगे। अगर एक माइनस है दूसरा प्लस है और अगर आप ओवरलैप कर रहे हैं तो वो नेगेटिव ओवरलैपिंग है, और अगर दोनों प्लस है पॉजिटिव ओवरलैपिंग, दोनों माइनस है पॉजिटिव ओवरलैपिंग, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, पाई बॉन्ड जो बनेगा ना, ये पी और डी से जो पाई बॉन्ड बनेगा वो ऐसे बनता है। अच्छा, पी और डी से फिर आपने कहा था अगर पी वर्टिकली प्रेजेंट है और डी अपन ने ऐसे बनाया, ये प्लस है ये माइनस है, इधर आपका माइनस है इधर प्लस है, लेकिन जो ये बॉन्ड बना ये आपका पाई बॉन्ड है, ये दोनों ओवरलैप, पीडी ओवरलैपिंग ऐसे बनेगा तो पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है भाई, अगर ऐसे बनेगा तो पाई बॉन्ड बनेगा। अब अपन कहेंगे अच्छा डी डी ओवरलैपिंग बताओ, तो अपन कहेंगे देखो अगर मुझे डी डी ओवरलैपिंग चाहिए तो मैं ऐसे बना लूंगा, डी डी ओवरलैपिंग बना ऐसे पॉसिबल है, एक तो मैं एक डी ऑर्बिटल ऐसे और दूसरा डी ऑर्बिटल ऐसे, एक डी ऑर्बिटल दूसरा डी ऑर्बिटल, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस, माइनस माइनस इधर भी माइनस माइनस, ये दोनों ओवरलैप करेंगे ऐसे। तो ये तो अपन को एक तरीके से ऐसे नहीं दिख रहा कि आप कहोगे ऐसे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, प्लस 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 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो ये ना डी ऑर्बिटल होगा तो डबल डंबल शेप होता है ना, तो ये डी और डी का सिग्मा बॉन्ड इज अ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड बाय डी डी ओवरलैपिंग, दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एस डी ओवरलैपिंग, एस का किसी के साथ भी ओवरलैपिंग होगा सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। P और D का अगर ओवरलैपिंग ऐसे होगा तो सिग्मा बॉन्ड होगा, अगर P और D का इस टाइप से ओवरलैपिंग होगा तो ये पाई बॉन्ड है, D और D का इस टाइप से ओवरलैपिंग होगा तो विल से दैट सिग्मा बॉन्ड है। तो अगर D और D का इस टाइप से ओवरलैपिंग है, D और D का अगर इस टाइप से ओवरलैपिंग है, एक D ऑर्बिटल ये एक D ऑर्बिटल ये, एक डी ऑर्बिटल ये है और एक डी ऑर्बिटल अपना ये है, अगर ये इससे ओवरलैप करे और ये इससे ओवरलैप करे तो फिर अपन इसे कहेंगे दैट विल बी व्हाट डी डी ओवरलैप, और ये जो डी डी ओवरलैपिंग होगा ना इसको अपन कहेंगे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन बाय डी डी ओवरलैपिंग, दिस इज पाई बॉन्ड फॉर्मेशन बाय डी डी। D में अपन को पता है प्लस अपोजिट में होता है और माइनस अपोजिट में होता है, वो अपन को पता है। तो ये जो है ना ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन है डी डी ओवरलैपिंग, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, इसका ओवरलैपिंग हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अब अपन कहेंगे ठीक है हमें पता चल गया, इसमें अपन को ऐसा कुछ भी नहीं है, ये दोनों ऑर्बिटल एक जैसे होना चाहिए, अगर px है तो ये भी px, ये py है तो ये भी py होगा, ये pz है तो ये भी pz होगा। लेकिन अगर हमसे पूछोगे कि कौन सा ऑर्बिटल प्रेफर करोगे सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए तो pz ही होगा, वो मैंने आपको बताया। अगर जैसे ना अपन क्या करेंगे, जैसे अपन ने बताया भाई जी एच बनाते हैं, अगर मान लो मेरे पास ऐसे और इसको ना ऐसे अपन ने बनाया तो ऐसे ही बना सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे ही ठीक था, वैसे ही बना सकते हैं, कोई भी बना सकते हैं, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक ये डी ऑर्बिटल हो गया, एक ये डी ऑर्बिटल हो गया, एक ये डी ऑर्बिटल, अगर ये वाला डी ऑर्बिटल ये प्लस है ये प्लस है ये माइनस है ये माइनस है ये माइनस है ये माइनस है ये प्लस है ये प्लस है, तो अपन यहां पर प्लस कर देंगे यहां पर माइनस, ऐसे तो अपन कहेंगे देखो भाई ऐसे लिख के आपने ऐसे ऑर्बिटल ओवरलैपिंग मुझे बता दिया, आपने पाई बॉन्ड बनाया, ऐसे इन दोनों को एक एक ओवरलैपिंग करके एक एक ऑर्बिटल एक एक लोब का ओवरलैपिंग करके आप सिग्मा बॉन्ड बनाया, दो दो लोब्स का ओवरलैपिंग करके मतलब चार लोब से आप क्या बनाते हो पाई बॉन्ड बनाते हो चार लोब के ओवरलैपिंग से। अब अगर अपन वहां पर क्या करें, मैं यहां पर क्या करना चाहता हूं कि इस लोब को इससे ओवरलैपिंग करना चाहता हूं और इसको इससे ओवरलैपिंग करना चाहता हूं, इसको इससे ओवरलैपिंग करना चाहता हूं और इसको इससे ओवरलैपिंग करना चाहता हूं, मतलब अपन ने क्या किया, अपने ना
ये जो ऐसे थे ना इनको ऐसे करो चारों ऑर्बिटल को, इसके भी चार और इसके भी चार, और ऐसे ओवरलैप कर दो चारों को। भाई आठ ओवरलैप तो अपने आपने अभी तक बताया नहीं कहीं। भाई जब आप कहते हो कि दो ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, जब आप कहते हो चार ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो आप कहते हो पाई बॉन्ड बनेगा, चार लोग ओवरलैप करेंगे तो पाई बॉन्ड बनेगा। यहां भी ये दो और ये दो लोब्स ना, लोब मतलब एक बैलून होता है, तो दो लोग ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा, चार लोग ओवरलैप करेंगे तो पाई बॉन्ड। ये तो आठ लोग ओवरलैप कर रहे हैं, आठ लोग ओवरलैप करेंगे तो फिर एक नया बॉन्ड बनेगा, दैट इज कॉल्ड डेल्टा बॉन्ड। डेल्टा बॉन्ड सिर्फ डीडी ओवरलैप में पॉसिबल है। भाई अगर दो लोब्स ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड, दो लोब्स ओवरलैप किए सिग्मा बॉन्ड, ये दो और ये दो, चार लोब ओवरलैप किए पाई बॉन्ड, ये वाले दो और ये वाले दो ओवरलैप किए तो पाई बॉन्ड, दो लोब्स ओवरलैप किए तो सिग्मा बॉन्ड, लेकिन अगर आठ लोब ओवरलैप किए तो डेल्टा बॉन्ड। अब शायद अपन से डेल्टा बॉन्ड ना पूछे एग्जाम में, लेकिन कहीं ना कहीं हमें डेल्टा बॉन्ड बनाने पड़ते हैं। और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में 12th क्लास में अपन को पता रहेगा कि जब भी डेल्टा बॉन्ड तब बनता है जब डीडी ओवरलैपिंग होता है, लेकिन डीडी ओवरलैपिंग में भी कैसे, वो चार लोब्स ऑफ वन डी एंड फोर लोब्स ऑफ अदर डी वो ओवरलैप करेंगे तो डेल्टा बॉन्ड बनेगा। तो आठ लोब्स ओवरलैप करते हैं डेल्टा बॉन्ड के लिए। अब अपन एक बात देखते हैं, ये वही ओवरलैपिंग है। अब मैं ओवरलैपिंग में कुछ और पार्ट थोड़ा सा इसी में बताता हूं। मान लेते हैं ये px है, तो अपन कहेंगे s तो ऑर्बिटल है ना, तो अगर ये x है ये y है, तो अपन कहेंगे भाई देखो इधर आपने प्लस जो है वो x पे लिखा हुआ है ना, तो s को x से ही ओवरलैप करना पड़ेगा, नहीं तो ये क्योंकि प्लस 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 होगा ना, अगर इसको आप y से ओवर इधर से अप्रोच करोगे ना इसको, तो इसका प्लस और इसके माइनस माइनस पे अगर ओवरलैप करेगा तो प्लस माइनस 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 मतलब नो बॉन्ड फॉर्मेशन, नेगेटिव ओवरलैपिंग बोलते हैं अपन उसे। या तो इसका माइनस होता और इसका माइनस होता तो अपन कहते हैं प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो अपन बोल देते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग। लेकिन इसका प्लस इसका माइनस ओवरलैपिंग नहीं होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है, इट्स नेगेटिव ओवरलैपिंग। नेगेटिव ओवरलैपिंग में अपन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता। तो अपन कहेंगे अगर आप ये बता रहे हो कि इसमें x और y एक्सिस कौन से हैं, तो फिर मुझे बताना पड़ेगा कि s को कहां से अप्रोच करना चाहिए, कौन से एक्सिस के थ्रू अप्रोच करना चाहिए ताकि सिग्मा बॉन्ड बन जाए। अगर अपन y में प्लस लिखते और x में नेगेटिव लिखते तो अपन कहते फिर y से अप्रोच करना चाहिए s को ताकि उसमें सिग्मा बॉन्ड बन जाए, क्योंकि जिस ऑर्बिटल में प्लस होंगे अपन को अप्रोच भी वहीं से करवाना चाहिए। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करूंगा, अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है तो इसको ना इसको भी px होना चाहिए, क्योंकि जब ये x एक्सिस आपस में ओवरलैप करेंगे तो ही बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। क्यों? क्योंकि भाई देखो अपन क्या कहेंगे, मान लो ये x एक्सिस ऐसे है, अब देखना अपन है ऐसे बना देते हैं, अपन ने कहा देखो इसका ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस हो गया, ठीक है। अब अपन कहेंगे नहीं भाई तो इसका z कैसे होगा, ऐसे z हो जाएगा। तो अपन क्या कहेंगे, अगर ये p ऑर्बिटल है तो इस d का अगर ये p ऑर्बिटल z एक्सिस से अप्रोच करेगा तो अपन कहेंगे वहां ऑर्बिटल ही नहीं है, क्यों अप्रोच कर रहा है भाई, बॉन्ड फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता वहां, ऑर्बिटल ही नहीं। तो इसमें इस पी ऑर्बिटल को कहां से अप्रोच करना चाहिए, तो अपन कहेंगे देखो भाई अगर आपने इसमें प्लस बना के दिखाया है तब तो मैं कहूंगा इसको एक्स एक्सिस से ही अप्रोच करना चाहिए, तो इसका प्लस और इसका प्लस ओवरलैप करेगा बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर इधर माइनस है, क्योंकि अपन ने इधर प्लस 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 और अगर इधर माइनस है ऊपर नीचे,
तो इधर इसमें प्लस भी होगा ना, तो ऊपर इधर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस मतलब नेगेटिव ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग तो है लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि आपने माइनस प्लस को ओवरलैप किया, दैट टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज कॉल्ड नेगेटिव ओवरलैपिंग। तो अपन कहेंगे अपन को यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि कोई इंटरन्यूक्लियर एक्सेस तो नहीं दिया अपन को, क्योंकि अगर क्वेश्चन में अपन को गिवन है कि इंटरन्यूक्लियर एक्सेस इज जेड एक्सेस, तो फिर दोनों को ही अपन को क्या करना पड़ेगा, z एक्सिस के थ्रू ही एक दूसरे के पास लाना पड़ेगा, क्योंकि आपने बोला ना दोनों का इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z एक्सिस है, तो उसी एक्सिस के थ्रू ही उनको पास लाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें अपन सिग्मा बॉन्ड तभी बता पाएंगे अगर ये x है तो इसको भी x होना चाहिए। इसमें भी अपन कहेंगे क्या भाई, इधर जो है ना ऐसे, और अगर आपने ऐसे दिया, अपने का ये पी एक्स है और अपने का ये एक्स है और ये वाई एक्सेस है, तो अपन क्या करेंगे, अपन इसमें मैं आपको ना इंटरन्यूक्लियर एक्सेस की बात कर रहा हूं, मैंने इन दोनों को अप्रोच करवाया उधर से और इधर से, तो अपन ऐसे करते हैं ये जेड एक्सेस इसका और ये भी जेड एक्सेस इसका, अगर दोनों को जेड से अप्रोच करोगे तो ये इस पे ओवरलैप करेगा और ये इस पे ओवरलैप करेगा, विल से द इंटरन्यूक्लियर एक्सेस इज जेड एक्सेस, क्योंकि ये इधर को अप्रोच करेगा, ये उधर वो इधर को आएगा, तो ये इस पे ओवरलैप करेगा, ये इस पे ओवरलैप करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा पाई बॉन्ड। लेकिन अगर मैं कहूंगा कि भाई इसका तो ये जेड एक्सिस नहीं है, अपन कहेंगे ये तो वाई एक्सिस है, तो अपन कहेंगे वाई एक्सिस फिर कैसे हो सकता है, इसका जेड एक्सिस तो फिर वाई से परपेंडिकुलर होगा ऐसे, और आपने कहा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस, तो इधर से ये अप्रोच कर ही नहीं सकता, इसके वाई एक्सिस ये तो वाई एक्सिस है इधर, तो अपन कहेंगे इसको ना इसके z एक्सिस से अप्रोच करना चाहिए, तो अपन कहेंगे अच्छा तो अगर इसका ये y है तो इसका ये z से रहा होगा, और ऐसे px में आपने ऐसे बनाया होगा इसमें, ये z एक्सिस है, इसका ये z एक्सिस है, तो इसके बाकी एक्सिस अपन बना लेते हैं भाई। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को मैं हटा देता हूं, अब ऊपर वाले पार्ट की कोई जरूरत नहीं है, अपन ने यहां पर देख लिया, अब इसको देख लेते हैं, है ना। अब अपन क्या करेंगे, अपन तो ऐसे बताएंगे भाई, देखो इसमें आपने कहा कि मेरे पास ये पी ऑर्बिटल है ना, एक प्लस और एक माइनस, और आपने कहा मेरे पास ये एक ऑर्बिटल ऐसे है पी, तो अपन ने कहा देखो भाई इसमें ना ये जो है पी वाई है, पी एक्स ले रखा है अपन ने नीचे, तो अपन वही ले रहता है, मैं तो दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते थे, अब ये पी एक्स लिया तो अपन ने वो ये ले लिया, ये पी एक्स है, इसको आपने लिखा वाई एक्सेस है, ठीक है भाई उससे 90 डिग्री है तो जेड एक्सेस ऐसे होगा, अगर आपका वाई ऐसे है एक्स एक्स है तो जेड ऐसे होगा, दे आर 90 डिग्री टू ईच अदर। अब अपन कहेंगे देखो भाई अब आप मुझे ये और बता दो इसमें कौन सा ऑर्बिटल है, क्योंकि ये बिटवीन द एक्सेस है, तो अपन कहेंगे पहले आप ये बता दो ये कौन से एक्सेस है, तो अगर मान लेते हैं, अब अपन इसकी बात नहीं कर रहे अभी अपन चुप है क्योंकि इसमें तो बॉन्ड बना के दिखाया करते हैं, अपन इसमें एक्सेस की बात करते हैं, अपन कहेंगे अच्छा मैंने ना इसमें ये वाई एक्सेस ले रखा है, ये जेड एक्सेस ले रखा है, ये एक्स एक्सेस ले रखा है, तो अपन कहेंगे अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, इसमें जेड ऐसे है इसका जेड भी ऐसे है, तो क्या करना है, अगर अपन कहेंगे देखो भाई अगर आप इंटरन्यूक्लियर एक्सेस दोनों का वाई एक्सेस बोल रहे हो तो मैं इनको दोनों को वाई एक्सेस के थ्रू अप्रोच करवा दूंगा, बॉन्ड बन जाएगा क्योंकि दोनों का जेड एक्सेस ऐसे होगा ना, तो बॉन्ड बन जाएगा। अब अपन चेंज करके देखते हैं, अपन कहेंगे नहीं नहीं ये ना जेड एक्सेस है, तो अपन कहेंगे अच्छा इसका वाई एक्सेस ये है और जेड ये है, इसका एक्स एक्सेस ऐसे होगा। अब अपन ने क्या किया, अपन ने कहा इसका एक्स एक्सेस ऐसे है और इसका एक्स एक्सेस ऐसे है, तो कैसे अप्रोच करें अपन, अपन कहेंगे अभी भी हम वाई से अप्रोच कर रहे हैं, तो अपन कहेंगे अच्छा इंटरन्यूक्लियर एक्सेस वाई एक्स, इसका वाई और इसका वाई अपन अप्रोच कर लेंगे, तो अगर इसका वाई और इसका वाई अप्रोच करेंगे तो अभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों, क्योंकि इसका इंटरन्यूक्लियर एक्सेस देखना है हमको, क्यों, क्योंकि इसका जेड एक्सेस अगर ये जेड ऐसा इसका एक्स इधर है तो हमें इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो इसमें ओवरलैप करेगा ना इस पे, और इसका जो जेड होगा वो ऐसे होगा,
तो आपने कहा इंटरन्यूक्लियर एक्सेस वाई एक्सेस, मतलब जो भी इंटरन्यूक्लियर एक्सेस होता है ना हमें उसी के थ्रू ही उसको अप्रोच करना होता है। तो जैसे इसमें वाई और वाई था इंटरन्यूक्लियर एक्सेस, ऐसे कर दिया लो भाई वापस में बॉन्ड बनाएंगे, ऐसे इधर वाला बॉन्ड और इधर वाला बॉन्ड ओवरलैप करेगा वाई एक्सेस में। हाँ अगर अपन ऐसे बोलेंगे ये एक्स है और ये वाई है, तो अपन कहेंगे अब इंटरन्यूक्लियर एक्सेस इज वाई एक्सेस। इंटरन्यूक्लियर एक्सेस वाई एक्सेस, तो भाई फिर तो ऐसे होगा कि मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इसका वाई एक्सेस ये हो गया। अब इसका वाई एक्सेस तो आपने ऐसे बना रखा है, तो अपन कहेंगे आप तो कह रहे हो इंटरन्यूक्लियर एक्सेस वाई एक्सेस, तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे भाई ये ऐसे नहीं, इसको ऐसे करो क्योंकि ये वाई एक्सेस हो गया, अब इसके वाई एक्सेस आपस में ओवरलैप करेंगे। तो अपन कहेंगे भाई ये तो एक्स है और ये वाई है, और आपने कहा है कि इंटरन्यूक्लियर एक्सेस जो है ना दोनों के लिए अप्रोच करने के लिए वो वाई है, तो अपन कहेंगे ये इसका वाई हो गया, तो इसको वाई बनाते हैं भाई, इसका वाई एक्सेस जो है वो ये बना रखा है आपने तो ऐसे बना रहा वाई। तो अगर ये इसको अप्रोच करेगा ऐसे, तो अप्रोच करेगा तो इधर तो ऑर्बिटल ही नहीं है कहीं, ओवरलैप कहां करेगा, इधर तो कुछ है ही नहीं, इधर बीच में तो न्यूक्लियस आ जाएगा, इधर तो कोई ऑर्बिटल भी नहीं है। चलो नेगेटिव ओवरलैपिंग भी होता है तो अपन कहते हैं कि नेगेटिव ओवरलैपिंग, इधर तो ऑर्बिटल ही नहीं है, और आप क्या कर रहे हो वाई एक्सेस था ये, इसका वाई एक्सेस ऐसे, आपने वाई एक्सेस ऐसे बनाया और फिर इसको ओवरलैप किया, और जब इसको ओवरलैप किया तो यहां पर वाई एक्सेस तो है लेकिन ऑर्बिटल तो इधर है ना, तो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कहां है, उधर तो ऑर्बिटल ही नहीं है जहां पर इसका वाई आ रहा है वाई एक्सेस, क्योंकि अपन को इंटरन्यूक्लियर एक्सेस का मतलब है इसको भी वाई लो इसका भी वाई लो और दोनों को वाई के अलोंग अप्रोच करो, वो इंटरन्यूक्लियर एक्सेस। तो अगर इसका वाई एक्सेस ऑर्बिटल अपन ऐसे लेंगे और पांच लेके आएंगे तो न्यूक्लियस में आ जाएगा, इनके ऊपर ओवरलैप होगा तो बॉन्ड बनता, हम कहेंगे यहां पर बॉन्ड नहीं बनेगा अगर वाई एक्सेस होगा तो। तो यहां पर तो अपन ने बस ये दिखाया था कि इनके कैसे ओवरलैपिंग से बनता है बॉन्ड, तो बनने का कोई ये वाई एक्सेस है ये इसका जेड एक्सेस है, तो यहां पर अपन ने बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाया। चलो अपन इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन क्योंकि दिखाया हुआ है इसके बना रहने देते हैं, बनने देखा ऐसे। अब इसमें भी आपको यही करना होगा कि अगर भाई ये जेड एक्सेस है तो ये भी जेड एक्सेस लेना होगा आपको, तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है भाई, तो अगर अपन कहेंगे ठीक है अगर इसका ये जेड है और ये इसका वाई है, ये इसका वाई है, तो अगर मैं इसके एक्स एक्सिस कैसे होंगे, ऐसे होंगे। अगर मैं दोनों एक्स एक्सिस के अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बोलूं तो अच्छा ठीक है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स एक्सिस है तो अपन कहेंगे अच्छा भाई मतलब मुझे इन दोनों के अलोंग अप्रोच करना है तो मैं इसको उठा के क्या करूंगा, इसको उठा के इधर लेके आऊंगा ऐसे, ये ऐसे लेके आया इधर उठा के, इधर चार ऑर्बिटल बने हुए इनको अप्रोच करूंगा तो फिर ये चारों उस चारों पे ओवरलैप करेंगे तब तो डेल्टा बॉन्ड बन जाएगा। अगर इसका जेड एक्सिस तो ये वाला एक्सिस है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और अगर इसके अलोंग इस चारों को ऐसे अलोंग करेंगे क्योंकि दोनों का जेड एक्स एक्सिस होगा वो ओवरलैप करेंगे तब तो क्या बन गया अपने पास डेल्टा बॉन्ड बन गया। समझ में आया। अब अपन एक बात एक छोटा सा पार्ट देख लेते हैं और फिर एक क्वेश्चन करेंगे उसमें अपन चेक करेंगे कि बताओ किस ओवरलैपिंग में किस टाइप का बॉन्ड बनेगा और अपन उसमें फिक्स करेंगे क्या इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। लेकिन उससे पहले मुझे एक वर्ड तुमको बताना है कि भाई व्हाट इज राइट ना, बार अपन देख लेते हैं और फिर उसके बाद इसमें बॉन्ड बना लेंगे क्योंकि रादर देन डिस्कसिंग बहुत सारा अपन एक क्वेश्चन करेंगे उस क्वेश्चन में तुमको बहुत सारा पार्ट पता चल जाएगा। तो चलो देखते हैं और सारे बॉन्ड फॉर्मेशन एक बार अपने रिवाइज भी हो जाएंगे कि कैसे आप ऑर्बिटल को ओवरलैप करके बनाते हैं। देखो एक तो होता है पॉजिटिव ओवरलैप, ठीक है, एक होता है नेगेटिव ओवरलैप और एक होता है जीरो ओवरलैप। तो चलो देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना, तीनों एक बार डिफरेंस पता चल जाएगा तो और भी अच्छा होगा। पॉजिटिव ओवरलैपिंग का मतलब है इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से ओवरलैप करे, पॉजिटिव ओवरलैप
लेकिन अगर मैं इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से ओवरलैपिंग करूंगा तो इसको अपन कहेंगे, जैसे अपन बोलते ना प्लस प्लस प्लस, तो अगर मैं ऐसे ओवरलैपिंग करूं तो अपन कहेंगे ये भी चलेगा, माइनस माइनस प्लस पॉजिटिव होगा तो प्लस माइनस माइनस होगा तो नेगेटिव ओवरलैपिंग कहेंगे। तो अगर मैं ऐसे ओवरलैपिंग करूं तो प्लस माइनस इधर माइनस प्लस, तो अपन कहेंगे प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस मतलब नेगेटिव ओवरलैपिंग। यहां पर अपन कहेंगे भाई ये अपना पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो गया, अगर मैं इसको ऐसे ओवरलैपिंग करूं तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे ओवरलैपिंग करूं, सपोज मेरे पास पी ऑर्बिटल ऐसे है और डी ऑर्बिटल मैं ऐसे कर लेता हूं, इधर माइनस इधर माइनस इधर माइनस इधर माइनस इधर माइनस इधर प्लस इधर प्लस, तो अपन कहेंगे प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस नेगेटिव ओवरलैपिंग। लेकिन अगर अपन इसको ऐसे करते हैं तो बस साइन से आपको पता चल रहा है क्या करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पी है और इसको अपन पी ऑर्बिटल बना देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, इधर अपन प्लस ले लेते हैं और इधर अपन माइनस ले लेते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग। अब अपन कहेंगे ठीक है जीरो ओवरलैपिंग बताओ। अच्छा अगर मैं कहूंगा मेरे पास एक एस ऑर्बिटल है और मेरे पास एक पी ऑर्बिटल है, ये इसका एक्स एक्सिस है और इसको मैं अप्रोच करता हूं एक्स की तरफ, अप्रोच बाय एक्स एक्सिस थ्रू एक्स एक्सिस, इसका पॉजिटिव इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव। अपन कहेंगे इसको अगर एक्स एक्सिस के थ्रू अप्रोच करोगे तो ये तो न्यूक्लियस में जाएगा, वहां तो ऑर्बिटल भी नहीं है, या कम से कम नेगेटिव था तो ओवरलैपिंग तो हो रहा था ना, तो ठीक है प्लस माइनस माइनस हो गया बॉन्ड नहीं बना, नेगेटिव ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग तो हो रहे थे ना ऑर्बिटल के, या तो ऑर्बिटल भी नहीं है वहीं अप्रोच कर रहे हो आप। ये मान लेते अपन ऐसे ये ए हो गया, अपन बी की बात, मेरे पास ये पी एक्स है और मैं इसको पी वाई का ओवरलैपिंग कर दूं, कोई भी पी एक्स ले लो कोई भी पी वाई ले लो, इसमें ये तो ओवरलैपिंग होगी नहीं, आप तो ऐसे कर रहे हो भाई, आपने लिखा ये पी वाई ऑर्बिटल है और ये पी एक्स ऑर्बिटल है, इधर तो ऑर्बिटल ही नहीं है जहां ओवरलैपिंग कर रहे हो आप, तो ऐसे होते तो ओवरलैपिंग करते ना पाई बॉन्ड बनता, ऐसे करते तो ओवरलैपिंग होता सिग्मा बॉन्ड बनता, लेकिन यहां तो आप ऐसे कर रहे हो कि एक ऐसे और दूसरा ऐसे, यहां तो ऑर्बिटल भी नहीं होंगे ओवरलैपिंग भी नहीं है यहां, तो then that will be a negative overlap. That is the difference. अब अपन क्या करेंगे, अपन ऐसे करते हैं, अब ऑर्बिटल्स के बारे में अपन को काफी इंफॉर्मेशन आ रहा है, अब इतना इंफॉर्मेशन से अपन ये बता सकते हैं कि भाई देखो एक अपन एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल लिख के फिर अपन चेक करते हैं, ठीक है अपन एग्जाम्पल में लिखेंगे, assuming z axis as internuclear axis, ठीक है अपन ने क्या किया z axis को अपन ने fix कर लिया internuclear axis, assuming z axis as internuclear axis, find out which type of bond will be formed, of bond is formed by overlapping. Formed by overlapping. Which type of bond is formed by overlapping? Of. अब अपन example ले लेते हैं भाई कुछ, तो फिर कहेंगे ऐसे बना लो px px py py pz pz px pz, px dxy, px dx square minus y square,
pz dxy, p z dx for minus y square. अब काफी सारे होते, एक और बना लेते हैं। वैसे अपने काफी लिख लिए तो अपन ऐसे कर लेते हैं, दैट इज पी वाई एंड डी एक्स का माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स वाई, मतलब कुछ भी लिख लेते हैं, हमें क्या फर्क पड़ेगा, उनको तो एग्जांपल बताना है, कैसे बताओगे आप? तो क्या करोगे तुम लोग, मतलब एक बार ट्राई करोगे या मैं बताऊं डायरेक्टली? सर ट्राई करेंगे, बट मैं ज्यादा टाइम नहीं दे सकता, 5 मिनट मैक्सिमम, जल्दी से करो। One thing we can do, इस वाले पार्ट में मैं बताता हूँ, next वाले पार्ट में आप लोग करो, next वाले पार्ट में मतलब जो शीट वगैरह में भी given होंगे क्वेश्चन या कोई क्वेश्चन आता है तो आप मुझे बता देना। तो मेरे ख्याल से एक दो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, तो अपन उसमें आप चेक करो, और कैसे चेक करते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है? तो एक दो तो आपने किए होंगे, तो आपने क्या लिखा है, जेड एक्सिस से अप्रोच करना है, ठीक है भाई कर लेते हैं, ये लो मैं एक को करता हूँ, ठीक है ना? चलो अपन इसे शुरू करते हैं, ये आंसर्स है, ये पी एक्स है और ये जेड मान लेते हैं, ये जेड मान लेता हूं और ये पी एक्स है, प्लस माइनस पाई बोन बनेगा, तो अपन कहेंगे इसमें पाई बोन, ठीक है? मैं बी की बात, वैसे बी में भी मैं इसको लिख लेता हूं वाई एक्सेस, ये जेड एक्सेस है, ये जेड एक्सेस है,
और y विल बी परपेंडिकुलर टू इट, तो अपन मान लेते हैं भाई ये भी पाई बॉन्ड ही बन रहा है, b में भी पाई बॉन्ड, मतलब ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड है, मैं इसको भी पाई बॉन्ड लेता हूं। अब मैं इसको c की बात करता हूं, तो अपन कहेंगे भाई ये pz है और ये भी pz है, है ना, ये भी pz है, ये भी pz है, pz तो इंटरन्यूक्लियर एक्सेस है, मतलब ये pz है, आपने लिखा ये भी pz है, लेकिन आपको pz के अलोंग ही तो एक दूसरे को अप्रोच करना है, तो अगर pz के अलोंग अप्रोच करूंगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा फिर, तो ये आपने कहा इंटरन्यूक्लियर एक्सेस, क्योंकि अगर ये pz है तो ये px होगा, ये px होगा, लेकिन हमें x के अलोंग थोड़ी अप्रोच करना है, आपने बताया ना कि आपने pz के अलोंग अप्रोच करना है, तो अगर ये दोनों ही pz हैं तो मुझे इनके ही अलोंग अप्रोच करना है, तो मैं क्या करूंगा, इनको ऐसे लेके और अप्रोच करवा देता हूं, तो भाई ये तो अब आप z एक्सिस पे बनाओ ऐसे ऑर्बिटल, इस पे तो इसके अलावा अपन z एक्सिस बनाएंगे, तो ऐसे क्यों बनाएंगे, अपन को अप्रोच करना है z, मतलब एक z ये हो गया और दूसरा z इधर हो गया, तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया, ये भी pz है, ये भी z है, pz है, तो ये दोनों अगर अप्रोच करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, मतलब सी में मुझे सिग्मा बॉन्ड मिलेगा, ठीक है। अब डी की बात, डी में आपने कहा भाई एक पीएक्स है, ये पीएक्स और ये इसका जेड एक्सिस है, तो अपन कहेंगे भाई इसका जेड एक्सिस, अपन कहेंगे नहीं भाई मेरी मर्जी, मैं तो पीजेड ऐसे बनाऊंगा, तो अपन कहेंगे आपकी मर्जी थोड़ी है, कोई बात नहीं आप तो बनाओ कैसे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ये इसका जेड एक्सिस है तो इसका जेड एक्सिस आपको ऐसे अप्रोच करना पड़ेगा, क्योंकि आपको दोनों को पास लाना है किसके अलोंग, z एक्सिस से, तो फिर आप ऐसे क्यों बनाओगे, इस ऑर्बिटल को ऐसे थोड़ी बनाना है, आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसका z एक्सिस ये है तो इसका भी z एक्सिस ऐसे होना चाहिए, मुझे दोनों को z एक्सिस के अलोंग लेके आना है, तो मैं कहूंगा आप ऐसे बनाओ हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका इसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं होने वाला, इट इज अ जीरो ओवरलैपिंग, क्यों, क्योंकि भाई आप ना इसको ऐसे बना जरूर रहे हो, लेकिन ये ऐसे अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को, ये z एक्सिस, तो अगर ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, ये इसमें थोड़ी न्यूक्लियस में थोड़ी ओवरलैप कर दूंगा, तो वो तो जीरो ओवरलैप है, डी जीरो ओवरलैप। अब मैं बात करूंगा px, ठीक है भाई एक ही बात करते हैं, तो अपन कहेंगे px, अपन क्या करेंगे ना z एक्सिस को, सिंस आपने लिख ही दिया है कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z एक्सिस है, तो जो भी z बनाएंगे उसको बना ही दिया करेंगे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, अपन कहेंगे ये इसका z है, क्योंकि इसी एक्सेस के थ्रू तो अप्रोच करना है उसको दूसरे को, तो ये क्या है px है, ठीक है भाई, तो ये px हो गया, ये लो प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, अब क्या करना है, तो अपन कहेंगे dxy, व्हाट इज dxy, तो अपन कहेंगे dxy का मतलब हो गया ये x है ये y है, तो एक ऑर्बिटल ऐसे है एक ऑर्बिटल ऐसे, तो अपन कहेंगे भाई देखो ये प्लस है ये माइनस है, माइनस है प्लस है, अब अपन क्या करें, इसका x से ये y है तो z कैसे होगा, तो अपन कहेंगे z ऐसे होगा, अपन कहेंगे ये z ऐसे हैं, ऐसे बनाया हमने, ऐसे बनाया अपन ने, तो अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो इसका जो z होगा ना ऐसे होगा परपेंडिकुलर, तो अपन को इसी एक्सिस के अलोंग अपन उस पर अप्रोच करेंगे, तो अपन कहेंगे पहले तो इसको ऐसे करो क्योंकि इसका जेड है, अपन को इसके जेड और उसके जेड को आपस में ओवरलैप करना है, समझे ना, जेड एक्सिस के अलोंग अपन कैसे बताएंगे, तो अपन कहेंगे भाई ये इसके जेड के अलोंग अगर ओवरलैप करेगा तो इसका ऑर्बिटल इधर है और ये वाला तो ऐसे 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 इधर आ रहा है, अरे उधर तो कुछ है ही नहीं, ऑर्बिटल तो ऐसे और ऐसे है, इधर तो है ही नहीं ऑर्बिटल इधर और इधर, तो ओवरलैप कहां करेगा, जीरो ओवरलैप है, ये ऐसे ऑर्बिटल्स और ये इसका जेड एक्सिस था, तो अपन ने क्या किया इस ऑर्बिटल को पहले ऐसे करो ताकि इसका जेड एक्सिस परपेंडिकुलर ना इससे, तो इसको पहले ऐसे करो अब अप्रोच करो, तो अपन कहेंगे अब अप्रोच करेंगे तो ये तो इन दोनों के बीच में आएगा ना, जैसे एक्सिस पे वाई प्रेजेंट है,
तो कोई ऑर्बिटल ही नहीं है इसमें जिसपे वाई प्रेजेंट है, बॉन्ड क्या करेगा कुछ भी नहीं, सिर्फ चलो भाई बॉन्ड नहीं करना। मैंने तो रेंडमली लिखे थे, मुझे नहीं पता था कि मतलब किसमें क्या होगा, फिर मैंने बॉन्ड थोड़ी जल्दी से कैलकुलेट कर लिया, जीरो ओवर। अब मैं आपकी बात, मैं जैसे कैलकुलेट करके बता रहा हूँ वैसे आप कर दे, मुझे थोड़ी आंसर पता है। अब किसी को भी पूछो मुझे नहीं पता आंसर, ई तक ही पता है मुझे क्योंकि मैंने कैलकुलेट करके, जैसे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ वैसे आप कैलकुलेट करो। अब आप किसकी बात करोगे, एफ की। चलो भाई पी एक्स बना लेता हूँ, कोई बात नहीं, पी एक्स ये है, ये मैंने पी एक्स बना, ठीक है, ये जेड एक्सेस है मान लेता हूँ, ये प्लस है ये माइनस है। अब क्या बनाना है मुझे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ओके। अब तो आप ऑर्बिटल बनाते हैं, अब तो आप इसको बनाओगे ना, अब तो आप बनाओगे ना ऐसे, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, इधर अपन इसको हटा देते हैं ऐसे, ऑर्बिटल ऐसे बना देते हैं, ये एक्सिस हटा देते हैं, ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स। अब अपन कहेंगे यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो अपन कहेंगे इसका जेड एक्सिस तो बताया आपने ऐसे होगा परपेंडिकुलर, तो फिर क्या ऐसे आपने बनाया ये ऑर्बिटल, ऐसे बना दिया आपने ऑर्बिटल। अब ऐसे ऑर्बिटल बनाए तो ऐसे कर लो वो जेड एक्सिस, क्योंकि इसका जेड एक्सिस ये है, अब ऐसे हो गया जेड एक्सिस, ओवरलैप कर दो, तो इसका जेड एक्सिस जो है इधर, अपन ऐसे कहेंगे इसका जेड एक्सिस इसके जेड एक्सिस से ऐसे ओवरलैप करेगा, इसका जेड एक्सिस ऐसे हो गया, तो अपन कहेंगे ये ऐसे ओवरलैप करेगा तो ई वाला ऑर्बिटल जो है ना वो ऐसे आएगा, जेड एक्सिस के नाम ये जेड एक्सिस थे तो इधर ओवरलैप करेगा ना इससे, तो अपन कहेंगे ओवरलैपिंग तो है, इधर इस पे ओवरलैप करेगा, इधर इस पे ओवरलैप करेगा, मतलब ये इस पे ओवरलैप करेगा और ये इस पे ओवरलैप करेगा, करेगा ना, लेकिन अपन कहेंगे नेगेटिव ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग तो है लेकिन नेगेटिव ओवरलैपिंग हो क्यों, तो अपन कहेंगे देख लो भाई ये प्लस 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 हो गया लेकिन ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ओवरऑल माइनस हो गया, तो ओवरलैपिंग तो है लेकिन नेगेटिव ओवरलैपिंग, बॉन्ड नहीं बन सकता। अच्छा तो फिर क्या बोलूंगी, कुछ बॉन्ड बना तो अपन कहेंगे नहीं बॉन्ड बना ही नहीं, तो मैं कैसे बोलूं कि पाई या सिग्मा बॉन्ड बना, तो अपन कहेंगे इसमें क्या बता देंगे अपन, नेगेटिव, इसमें भी बॉन्ड नहीं बना, ठीक है ना, ये नेगेटिव ओवरलैपिंग हो गया, राइट। अब अपन क्या करें, तो अपन कहेंगे भाई ठीक है एफ के बाद जी बनाते हैं भाई, जी में क्या बनेगा, तो अपन कहेंगे ये जेड एक्सिस है, अपन ने pz को ऐसे बना ही लिया, ये pz है या नेगेटिव या पॉजिटिव, और यहाँ dxy है, तो अपन dxy को ऐसे बना लेते हैं क्योंकि dxy अपन ऐसे नहीं बना सकते, नहीं तो ऐसे ही बना देता मैं, तो ये dxy है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये y होगा, ये x होगा। अब क्या बोलेंगे अपन, अब इसमें z तो ऐसे है और ये वाला z ऐसे है, तो अगर ये वाला z ऐसे है, ये pz है जो अपन ने बनाया इस जेड एक्सिस है, तो अपन क्या करेंगे भाई, इसको अगर ऐसे ओवरलैप करेंगे ना तो इसके न्यूक्लियस इधर इसका ओवरलैपिंग करके मैं क्या करूंगा भाई, इसका ओवरलैपिंग इसके अंदर करके मैं कुछ भी नहीं बना सकता, फिर जीरो ओवरलैपिंग भाई, इसका ओवरलैपिंग इसके न्यूक्लियस में, मतलब ऐसे जेड, ये जेड एक्सिस है तो इस ये जेड एक्सिस का ऐसे होगा, तो अपन इसको ऐसे बनाएंगे, तो ये जेड एक्सिस हो गया इसके अलावा, तो ये अपन इसको z के अलोंग अप्रोच करेंगे ना, तो ये ओवरलैपिंग इज इधर ओवरलैपिंग हो रहा है इसका, तो वो किसी काम का ही नहीं अपने, तो जीरो ओवरलैपिंग है उसको, तो अपन जीरो ओवरलैपिंग, हाँ ठीक है, आप दोनों का z एक्सिस अप्रोच कर, जैसे आपको सॉल्व करना है, मेरे लिए तो बस मैं तो सबके हिसाब से बता रहा हूं ताकि बाद में भी अगर अपन को चेंज करना पड़े तो आप उसको चेंज करके बता दें, अदरवाइज मुझे तो अच्छा है, तुम लोगों को जितना इजीली समझ में आएगा मेरे लिए तो उतना अच्छा है, मैं तो इजीएस्ट में जानना चाहता हूँ कि भाई बच्चों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो इसमें भी जीरो आया। चलो पी जेड की बात करते हैं, वो भी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से, वहां भी कुछ नहीं है, क्यों डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में सिर्फ रोटेट तो करोगे आप और क्या करोगे, तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे भाई जी एच की बात कर लेते हैं, एच में क्या होगा, ये जेड एक्स है प्लस माइनस ये पी जेड होगा,
और अपन क्या करेंगे x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, सो ये आपका x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर मतलब इट इज ऑफ द एक्सेस, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, ये भाई इधर ना, इधर प्लस इधर प्लस, इधर माइनस इधर माइनस। अब इसका z एक्सिस तो ऐसे है ना, अगर इसका z एक्सिस ऐसे है तो अपन को क्या करना होगा, इसको ना ऐसे अप्रोच करना होगा इसकी तरफ, तो इसमें इसको इसमें ओवरलैप करके क्या बनेगा, कुछ भी नहीं, हर जीरो ओवरलैप, सारे के सारे जीरो ही दे दिए क्या, जीरो ओवरलैप इसमें भी नहीं है। अब क्या करें, तो पी जेड को आपने dx square minus y square लिखा, अब पी वाई को आपने लिखा dxy, तो अब पी वाई को अगर dxy लिखोगे तो पी वाई को dxy, चलो अपन लिख लेते हैं अपन ऐसे, एच के बाद आई पी वाई, अपन ऐसे ये पी वाई है, ये जेड एक्स है, ये पी वाई है, ये पी वाई है, ठीक है, पी वाई ले लिया अपन ने। तो अपन क्या करेंगे, अब क्या है आपके पास dxy है, dxy इज लाइक दिस, बेकार ही हो गया, क्यों, ये y है ये x है और dxy इज लाइक दिस है ना, इधर प्लस इधर प्लस इधर माइनस इधर माइनस, ये इसका z एक्सिस है जबकि इसका z एक्सिस ऐसे होगा जीरो ओवर लैपिंग। अरे कुछ तो अच्छा देते हैं, ये लो भाई ये भी जीरो ओवर लैपिंग, मतलब यहाँ भी कोई ओवर लैपिंग नहीं हो रही, तुमने बता दिया, तो कोई ऐसा बताओ जिसमें हमको ओवर लैपिंग z एक्सिस में पता चल जाए कि भाई यहाँ पर ओवर लैपिंग होगा, ठीक है, अगर अपन को ओवर लैपिंग करना है तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे भाई इसमें जैसे ये था अपने पास, तो अपन इसमें इन दोनों को ओवरलैप करते, तो अगर ये एक्स एक्सिस होता, ये एक्स होता और ये एक्स होता, और फिर आप अप्रोच करते जैसे ये एक्स होता, तो ये क्या करते अपन भाई, इसको माइनस लिख लेते अपन, इसको प्लस लिख लेते अपन, तो ये प्लस प्लस ओवरलैप कर लेता, ये प्लस माइनस 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 ओवरलैप कर लेता, तो ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, लेकिन एक्स इसमें इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होता तो अपन कहते कि अब बन जाता अपना प्रोडक्ट, तो फिर अपन कहते पाइवोट बन गया, लेकिन यहां तो आपने जेड दे रखा है इसलिए मुझे जीरो ओवरलैपिंग करना पड़ेगा, क्योंकि इस ऑर्बिटल को मुझे यहां से लेके जाना पड़ेगा, इसका जेड इधर है ना, तो इसको यहां से ऐसे इस ऑर्बिटल को ऐसे लेके जाना पड़ेगा, वहां कुछ भी नहीं बनने वाला, इसमें अपन ने जीरो लिखा। सो दिस इज द टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, आपको काफी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे अपने शीट में, आप शीट से भी काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, अपन को टाइप ऑफ ओवरलैपिंग पता चल गया, व्हाट टाइप ऑफ ओवरलैपिंग एंड हाउ इट टेक प्लेस, ठीक है। अब अपन चेक करते हैं ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स में, इसको कहते हैं अपन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है, तो अपन इसको ना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करते हैं, तो थोड़ा सा लिखेंगे, वैसे ये सारा पार्ट भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ही आता है, पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का थोड़ा सा ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर के लिए थोड़ा सा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे अब बस। ठीक है, तो अपन ऐसे लिख देते हैं भाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑन जगह, ठीक है, इसको अपन वीपीटी बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ना सर्टेन पोस्टुलेट्स होते हैं, पोस्टुलेट्स मतलब जो अपन को फॉलो करना है, मतलब व्हाट वी हैव टू फॉलो, इसमें पोस्टुलेट जो अपन को फॉलो करना है वो ऐसे होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ लैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स विथ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिस ऑर्बिटल में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा उसमें ही कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के चांसेस बनेंगे, मतलब द ऑर्बिटल्स मस्ट हैव अपोजिट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर ओवरलैप, ठीक है भाई, ये तो अपन को पता है, ओनली द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन
टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, टेक पार्ट इन ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स. Right? Then we can write that overlapping of orbital, strength of bond. Strength of bond depends on extent of overlapping. Depends on extent of overlapping of overlapping of orbitals. मतलब जो orbital में जितना ज्यादा overlapping होता है उतना ज्यादा bond strength होता है. Overlapping of orbital. Of orbitals. तो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में जनरली अपन लिखते हैं, जैसे एग्जांपल ले लें तो उसमें अपन क्या करते हैं, अपन लिखते हैं एसएस ओवरलैपिंग ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाते हैं एसपी ओवरलैपिंग से, ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएंगे पीपी ओवरलैपिंग से. तो एसएस ओवरलैपिंग को इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस काफी कम होता है, दैट्स व्हाई इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एसपी ओवरलैपिंग, उसमें ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पीपी ओवरलैपिंग. मैं इसमें ब्रैकेट में एक वर्ड लिख रहा हूं लेकिन वर्ड मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि इसमें एक और पार्ट आएगा जहां कहीं अपन इसको रिवर्स वे में भी पढ़ते हैं, लेकिन वो कहां पढ़ेंगे तो उस वजह से मैं इसमें एक वर्ड ऐड कर देता हूं फॉर अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. अपन ने हाइब्रिडाइजेशन की बात नहीं की ना, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं फॉर अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स. क्योंकि अगर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा तो रिवर्स हो जाता है, पहले अपन हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे फिर उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना. सो विल से दैट दीज आर फ्यू थिंग्स वी कैन राइट दैट, है ना. सो फाइन, वी कैन राइट दैट द ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सेम एनर्जी, सेम एनर्जी फॉर्म्स स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, stronger bond, है ना, stronger bond than orbitals with different energy, orbitals with different energies, with different energies, ठीक है, than the orbital with different energies, energies. तो अपन कहेंगे जैसे 2p, जैसे 4p orbital, एक नाइट example. अगर 2p और 2p ऑर्बिटल है तो मतलब सेकंड शेल के दोनों दोनों एटम के सेकंड शेल के p ऑर्बिटल है, अगर ओवरलैपिंग होगा तो ज्यादा अच्छा ओवरलैपिंग होता है 2p और 3p, मतलब एक एटम का 2p ऑर्बिटल है दूसरे एटम का 3p ऑर्बिटल है, वो ज्यादा अच्छा होगा अगर दोनों का ही 3p ऑर्बिटल है, क्योंकि 3p ऑर्बिटल होगा तो साइज बढ़ेगा. तो 2p ओवरलैपिंग अच्छा होता है, 2p 3p ओवरलैपिंग से अच्छा होता है, दैट इज विद 3p 3p ओवरलैपिंग. वैसे बता सकते हैं depending on the overlapping of orbitals, depending on the overlapping of orbitals, overlapping of orbitals, ana bonds are classified as, the bonds are classified as sigma, pi, delta, etc. तो अपने सारे बॉन्ड बना के देखे, डेल्टा बॉन्ड तो सिर्फ डीडी बॉन्ड में बनता है, डीडी ओवरलैपिंग में बनता है, बाकी तो सिग्मा और पाई ही पड़े हुआ अपने, राइट. सो दैट इज अबाउट द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. सारे ओवरलैपिंग अपने पढ़े हुए हैं, सब कुछ अपने पढ़ा हुआ है, अपने पहले ओवरलैपिंग देखा है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग, जीरो ओवरलैपिंग. सो दैट इज अबाउट द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसमें ओवरलैपिंग के अलावा कुछ भी नहीं करते. अब अपन पढ़ते हैं शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स. अभी तक अपन ने मॉलिक्यूल्स में ये पढ़ा था लुईस थ्योरी में हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन्स टू द अदर एटम फ्रॉम द सेंट्रल एटम. नाउ वी कैन स्टडी कि उनका ज्योमेट्री कैसे होगा और वो कैसे बताएंगे, है ना. मतलब अब अपन पढ़ सकते हैं कि द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे बताएंगे अपन, वो देखते हैं. सर फिफ्थ पॉइंट मत हटाइए. बिल्कुल नहीं हटाऊंगा मैं, तो सारा ही नहीं हटाऊंगा, चिंता मत करो तुम, लिख लो आप. फिफ्थ भी नहीं हटाऊंगा, सिक्स्थ भी नहीं हटाऊंगा.
पर ना आज यही रुक जाता है, ठीक है? और क्योंकि हम ज्योमेट्री और शेप के लिए थोड़ा सा एक दो सेंटेंस ही लिख पाएंगे, उसके बाद हम उसको ज्यादा नहीं पढ़ पाएंगे, तो कंटिन्यूएशन में अपन ज्यादा पढ़ लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। कल अपना क्लास है क्या? नो सर। इस वीक में अपना और क्लास है क्या? सैटरडे को। सैटरडे को ठीक है। अच्छा देख, इस अपन को, मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग के नोट्स भेज दिए ना? नो सर। नहीं भेजे अभी? अरे यार, तो तुमने इतने मांगे क्यों नहीं अब तक? इतने क्लासेस हो गए अपने, मांगने चाहिए ना आपको कि केमिकल बॉन्डिंग के भी नोट्स भेज दो। और भाई नोट्स मैं तब तक ही भेजूंगा जब तक ये ऑनलाइन चल रहा है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ ना आपको, हाँ ये अपन रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग स्टॉप।